हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, साफ ही होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त क्लास को। पार्ट नंबर सी आप लोग देखने को मिलेगा। हम लास्ट बार जब पार्ट नंबर सी ले रहे थे तो आप लोग जानते हैं हमारे कंप्यूटर हैंग कर गया था, फिर इसमें बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट ले रहे थे इसमें बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया था। उस दिन बहुत सारे लोग लाइव भी आ गए थे। आप लोग देख सकते हैं कि वो लैपटॉप उस दिन 1 मिनट की भी क्लास नहीं हो पाई थी। ये 54 लाइक्स आप लोगों ने दिए थे और बहुत सारे लोग लाइव थे, लेकिन उस दिन के लिए हाथ जोड़ करके माफी चाहते हैं आप सभी लोगों से कि हमारा कंप्यूटर खराब हो गया था। इसमें समस्या क्या आ गई थी ये देखिए, इस तरह से पहले तो उसमें हैंग किया था, फिर बाद में हमने उसमें थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की थी तो वो बार बार बायोस मोड में खुल जा रहा था। फिर बाद में वो समस्या ठीक हुई थी, फिर ये वाली समस्या आने लगी थी। ये कुछ ब्लू स्क्रीन एरर आए थे, फिर बाद में हमारी विंडो ही खुलना बंद हो गई थी। तो हम इसको बाद में फिर हम सोचे कैसे सही कराएं, तो हम दुकान दुकान पर गए थे, फिर इसको हम ठीक कराए थे। बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा। तो आज देखिए आप लोग देखने को मिलेगा ये, हम फिर शॉप पर गए थे। हमने कह दिया कि भाई अब मैराथन आप लोगों की क्लासेस होंगी, तो मैराथन क्लासेस में बिल्कुल भी समस्या ना करे। हमने कहा इसमें जो भी चीजें निकालनी है वो निकाल करके चेंज कर दीजिए आप। हमने अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं नई डलवा ली है, मतलब SSD कार्ड डलवा लिया है, रैम भी अपग्रेड करा ली है, पूरी विंडो भी चेंज करा दी है, तो अब कोई भी समस्या नहीं आएगी। ओके, तो आप लोगों के लिए हमने सोचा था कि आप मैराथन क्लास देंगे तो मैराथन क्लास में ना समस्या है, इसी वजह से हम एकदम हमने कहा कोई भी समस्या ही नहीं आएगी आप लोगों के लिए, एकदम बढ़िया हो गया, जबरदस्त हो गया, अब कोई समस्या नहीं है। ओके, तो देखिए आप लोग बहुत सारा प्यार दिए इसी तरह से, लेकिन कुछ लोग थे अंदर डाउट भी आया होगा कि यार एक क्लास देते हैं फिर बीच में कहाँ पर गायब हो जाते हैं। तो एक दो क्लास आप लोग दिए थे, फिर बीच में एक दो दिन क्लास ऑफ हो गई थी। तो रीजन क्या था? कंप्यूटर ही हमारा ठीक नहीं था। हम सोच रहे थे कि आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक नई समस्या आती चली गई थी, तो इस वजह से क्लास नहीं दे पाए। तो देखिए मैराथन क्लास में आप लोग चलेंगे इसी वजह से, ये जो कंप्यूटर है हमने इसी वजह से अपग्रेड कराया कि इन क्लासेस में कोई समस्या ना है। और अगर देखिए अगर क्लास होती भी तो अगर हम पार्ट नंबर सी दे देते फिर उसके बाद में आप लोगों के क्लास कहाँ से देते। देखिए आज आज ही ये पर्यावरण का आया है। देखिए हम आप लोग दिखा देते हैं, देखिए ये हिंदी मीडियम का है, मैं इंग्लिश मीडियम को खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए इंग्लिश मीडियम के तो आप लोग देखने को मिलेंगे 4 आ गए हैं, लेकिन जो विजन 365 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसकी हिंदी के देखें, मैं देखिए हिंदी का सिलेक्ट करता हूँ, तो हिंदी के 2 ही आए हैं, वो भी एक आज ही आया है इन्वायरमेंट का। तो अगर हम उस दिन पार्ट नंबर सी में आप लोग खत्म करा देते फिर भी आप लोग के लिए विजन 365 की क्लास नहीं मिलती, क्योंकि हिंदी की स्क्रिप्ट आई नहीं थी, अभी तक एक ही आई हुई थी। ओके, तो ये भी बात है। तो इस वजह से अगर उस दिन क्लास भी हो जाती तो आप लोगों को नहीं मिल पाती। आज हम होली के दिन आप लोगों के लिए क्लास दे रहे हैं, इसी वजह से कि आज रात में ही हम एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग में अभी 1:30 बज रहा है। तो आज आप लोगों के लिए हमने सोचा रिकॉर्ड कर देंगे, आप लोगों को शाम को मिल जाएगी। और होली है, सब लोग होली खेल रहे हैं, होली का दहन इधर हो रहा है, अभी डीजे वीजे बज रहा है, हम इधर आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो ऑन टाइम पर कवर करा सके। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो आप लोगों को ये देखने को मिलेगी विजन 365 जो राज व्यवस्था की है, इसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये देखिए आप लोगों को पार्ट नंबर सी देखने को मिलेगा। देखिए हम इससे पहले तक कवर कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्लासेस जा करके देख सकते हैं, इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में बाद में आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले चलिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं, मैं एक बार देख लूँ कि सब कुछ रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए रिकॉर्ड तो सब कुछ ठीक से हो रहा है, क्योंकि ये जब रिकॉर्ड करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग कमेंट बहुत सारे लोग किए थे, तो आप लोग परेशान हो रहे थे कि क्लास होंगी या नहीं होंगी। सारी क्लास होंगी ऑन टाइम पर, आप लोगों का यहाँ पर जितना भी विजन 365 करंट अफेयर है और जो आपका सिलेबस हम बाधा किए हैं कराने के लिए सब कराएंगे। ओके, आप लोगों के लिए कभी भी छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो घबराना नहीं है सबसे पहले। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें चुनाव की, इलेक्शन की अगर हम बात करें, तो आप लोगों को पहला इसमें टॉपिक देखने को मिलेगा दल बदल। दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ देखने को मिलेगा। देखिए दल बदल क्या है? दल बदल है एक पर जो नेता लोग होते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भाग जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए कि ये ऐसी नालायकगिरी ना दिखाएं, क्योंकि जो नेता होते हैं वो किसी की पार्टी का टिकट लेकर के उस पर जीत करके आते हैं, बाद में कोई दिखा देता है पैसा तो अपनी जो पोल्ट्री होती है उसमें भर करके रेस ले जाते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो बोला गया ऐसे नेताओं को कैसे रोका जाए, तो उसी के लिए यहाँ पर दल बदल जो दल बदल रोधी कानून है वो लाया गया था। तो देखिए ये न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ था, इस वजह से विवाद है न्यूज में आ गया। ये हमेशा ही न्यूज में रहता है, इस साल कुछ नया नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम दल बदल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए दल बदल है
देखिए इधर तो राष्ट्रीय दल का, राष्ट्रीय दल है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दल बदल क्या है, जो अभी हम आप लोगों को बताए हैं वो सेम दल बदल देखने को मिलेगा। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एक्स्ट्रा इधर आप लोगों को देखने को मिलेंगी, यहाँ पर हम अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देंगे। देखिए दल बदल है ना, जो नेता होते हैं इनकी खरीद बिक्री की जाती है, खरीद बिक्री की जाती है, तो इसी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, कि घोड़े होते हैं, जो घोड़े होते हैं उनकी खरीद बिक्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हॉर्स ट्रेडिंग किससे संबंधित है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये दल बदल से ही संबंधित है। एक मिनट में आप लोगों को थोड़ा नोट्स पर ले जाता हूँ, फिर यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए जो सांसद होते हैं या फिर जो विधायक होते हैं, उनकी जो सदस्यता होती है उसको समाप्त करने के विभिन्न प्रावधान होते हैं। पहले तो अगर हम योग्यताओं की बात करें, तो जो सांसद हैं इनकी जो योग्यताएं हैं उनके बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। नंबर एक आपसे पूछा जाएगा, क्या जो संसद सांसद होते हैं क्या उनकी योग्यताओं के बारे में हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, तो यस हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। तो हमारा संविधान क्या कहता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था, हर किसी के कमेंट का हम ध्यान रखते हैं। तो देखिए अगर हम योग्यताओं की बात करें, तो संविधान में कहा गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। ओके इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ये दो चीजें तो हमारे संविधान में बोली गई हैं, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और संविधान बोलता है अन्य योग्यताओं के निर्धारण की जो शक्ति है वो हम संसद को दे देते हैं। तो संसद को क्या मिल गई, शक्ति मिल गई। तो संसद ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक अधिनियम पारित कर दिया, एक एक्ट पारित कर दिया, जिसको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। देखिए दो अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है एक, और एक 1950 है, दो हैं हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं। 1950 वाले में जो हमारे बारे में बताया गया है कि मतदाता कौन होगा, वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, निर्वाचन क्षेत्रों में कैसे विभाजन होगा, उसके बारे में बताया गया है। और जो 1951 है इसमें बताया गया है कौन चुनाव लड़ सकता है, उसकी योग्यताएं अयोग्यताओं के बारे में, चुनाव प्रक्रिया के बारे में, विभिन्न चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए ये अधिनियम पारित किया गया, इस अधिनियम में भी कुछ बोला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अयोग्यताओं की, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, देखिए अयोग्यताओं की अगर हम बात करें, तो अयोग्यताओं भी अयोग्यताएं हैं वो भी हमारे संविधान में भी बताई गई हैं, और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है जो संसद के द्वारा पारित किया गया उसमें भी बताई गई हैं। तो संविधान हमारा कहता है कोई लाभ के पद पर ना हो, लेकिन मंत्री और संसद के द्वारा बनाया गया कोई पद है, संसद है, कुछ एक्सेप्शन बना सकती है। तो देखिए उनको छोड़ करके अन्य सभी पद हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अगर व्यक्ति है वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी वो अयोग्य होगा। इसके अलावा जो संसद है वो अगर कोई विधि बना दे तो उसके अनुसार भी अयोग्यता डिसाइड होंगी। तो संसद को पावर मिल गई कि चलिए, तो यहाँ पर देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसमें अयोग्यताओं के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि अगर वो भ्रष्टाचार और चुनावी अपराध में संलग्न हो जाए, किसी को अगर 2 वर्ष से ज्यादा की सजा हो जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। निश्चित समय में वो अगर चुनावी खर्च का ब्यौरा अगर नहीं देता है तो भी वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा वो गवर्नमेंट के कार्यों में दिलचस्पी ना लेता हो, निगम है, निगम के पद पर अगर वो आ गया हो तो भी उसको हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देखने को मिलेगी। इन्हीं अयोग्यताओं में हमारे संविधान में एक और भी चीज बताई गई है, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा दल बदल। देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दल बदल। तो दल बदल है ये 10वीं अनुसूची में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 10वीं अनुसूची में इसे 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, इस संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको जोड़ा गया, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। देखिए आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें अयोग्यताओं के, अगर कोई अयोग्यताओं से संबंधित अगर विवाद होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात, अयोग्यताओं से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, इस पर अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। जो अयोग्यताएं हैं उन पर जो अंतिम फैसला कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं लेगी, बल्कि राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति है वो ऐसा निर्णय जो चुनाव आयोग है उसकी राय के पश्चात कोई भी डिसीजन लेगा, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके इसके अलावा अगर हम बात करें दल बदल, देखिए दल बदल के आधार पर अगर किसी को अयोग्य ठहराया जाता है और इससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अध्यक्ष के पास में, पीठासीन अधिकारी के पास में है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 92
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 किया गया था, इसमें बताया गया था कि विवादों का अंतिम निर्णय है वो कौन लेगा, अध्यक्ष लेगा, और साथ में अध्यक्ष कौन, जो सदन का पीठासीन अधिकारी होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो दो तिहाई मेंबर होंगे ना, दो तिहाई मेंबर अगर किसी पार्टी से अलग होते हैं तो उनके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, स्प्लिट कहलाएगा, इसके बारे में ज्यादा अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि दल टूट जाता है तो उन पर दल बदल नहीं लगता। अगर हम दल बदल की बात करें तो दल बदल है वो किस किस प्रकार से लगता है, कोई व्यक्ति है दल बदल के अंतर्गत कब आता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर कोई व्यक्ति है वो अगर स्वेच्छा से अपने दल का त्याग कर दे। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा दल के निर्देशों का पालन ना करे। दल कहता है रमुआ उसको आज वोट देना है, लेकिन रमुआ का क्या कर देता है, पड़ोसी को वोट दे देता है, पड़ोसी वाली पार्टी को वोट दे देता है, तो क्या लग जाएगा, दल बदल लग जाएगा। या पार्टी के दिए गए निर्देशों का पालन ना करा जाए, जैसे घर पर बीबी कहते हैं कि आज है आपको जल्दी आ जाना है, लेकिन पति जल्दी नहीं आते तो क्या होता है, खैरी मनाते हैं, तो वही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई निर्दलीय सदस्य, देखिए दो चीजों में लोग कंफ्यूज जाते हैं, निर्दलीय और जो नामित सदस्य होते हैं। देखिए निर्दलीय सदस्य है अगर वो किसी दल को ज्वाइन कर लेता है तो दल बदल उसके ऊपर लग जाएगा, लेकिन कोई नाम निर्देशित है मतलब मनोनीत सदस्य है तो मनोनीत सदस्य है उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो 6 माह के बाद नाम निर्देशित करने के बाद मतलब मनोनीत करने के बाद 6 माह के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर दल बदल लग जाता है। बहुत ही सिंपल चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें दल बदल का जो निर्णय और जो निपटारा है वो सभापति और अध्यक्ष करता है, लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के अनुसार, एक निर्णय के अंतर्गत कहा कि जो सभापति और जो अध्यक्ष है इसके पास में अंतिम शक्ति है, इनके पास में क्या है, अंतिम शक्ति है इससे रिलेटेड दल बदल के निर्णय से, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायपूर्ण अवलोकन है वो किया जा सकता है कब अगर ऐसा लगता है कोर्ट के लिए कि अगर एक किसी पक्षपात रूप से किया गया है या फिर उसके साथ में जायती की गई है, मतलब निर्णय हो वो एक तरह से पक्षपातपूर्ण हो तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा भी जो संसद है उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, बहुत सारी आधार है, ये सारे आधार है ये आप लोगों के लिए मैराथन क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है इसीलिए अभी पढ़ेंगे तो क्लास क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे आप लोगों को सारी चीजें दिख जाएं। देखिए यहाँ पर एक चीज बताई गई है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए एक सेकेंड, ये बार बार बंद हो जा रहे हैं, मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ फिर बंद होगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम दल बदल की बात करें तो देखिए ये बताया गया है टू थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हम आपको बताए थे स्प्लिट वाला, लेकिन दल बदल है वो लागू नहीं होगा, जो अध्यक्ष होगा जो सभापति होगा उसके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति है वो अध्यक्ष या सभापति नियुक्त हो जाता है तो वो अपनी पार्टी है उसको छोड़ सकता है, पार्टी जो है वो अपनी पार्टी को छोड़ सकता है, त्याग सकता है, और जैसे ही वो अध्यक्ष और सभापति के पद से हटता है तो वो चाहे तो फिर से अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। उसके ऊपर इस आधार पर दल बदल नहीं लगाया जा सकता कि उसने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है ओके, काफी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया रखा है और ये सारी चीजें सेम दे रखी हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, जो अभी हम सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं वही सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर ये बताया है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी पार्टी के अनुसार मतदान नहीं करता है तो पार्टी 15 दिन के अंदर अगर उसको माफ ना करे तो उसके ऊपर दल बदल लगाया जा सकता है, तो ये चीज यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है और कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा, आखिर हम जो आप लोगों ने सुनी होगी कि ये पार्टी है ये राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, ये स्टेट पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, इनकी रीजनल पार्टी है, ये कैसे पता चलती है कि कोई पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, ओके क्या ऐसा क्या होता है, तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे डिसाइड किया जाता है। एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा ये जो PDF है आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, जैसे ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी पूरी एक साथ में हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा
राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल है अगर हम बात करें इधर विचारधारा के आधार पर, जो कि अभी हमको देखना ही नहीं है। एक सेकेंड, इधर क्यों नहीं खींच सक रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसमें एक एक्स्ट्रा पेज में लगाना हट गया, लगाना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं इधर साइड से हटाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सब कुछ आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय दल, तो राष्ट्रीय दल कौन कहलाएगा, तो जिसे लोकसभा और विधानसभा में जिसे 6% वोट मिले हो और साथ में लोकसभा में कम से कम उसे 4 सीटें प्राप्त हुई हो, ऐसे दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये 6% वोट और जो 4 सीटें लोकसभा में उस पार्टी को चुनाव में प्राप्त हुई है, वो कम से कम 4 राज्यों या फिर उससे अधिक राज्यों से प्राप्त हुई हो, ऐसा नहीं है एक राज्य से ही उसको 6% वोट मिल गए या फिर एक राज्य से ही वो 5 सीटें जीत गई, तो नहीं, आपको देखने को मिलेगा कम से कम वो सीटें हैं वो 4 राज्यों से, 4 राज्यों या 4 से अधिक राज्यों से 6% वोट और साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा कि 4 सीटें प्राप्त हुई हो, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा है वो दे दिया जाता है। इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर अगर कोई पार्टी है उसे लोकसभा चुनाव में 2% सीटें मिल गई हो, और आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 2% सीटें हैं ये कम से कम 3 राज्यों से मिली हो, 3 राज्यों से वो चुनाव लड़ी होगी और कुल मिलाकर के उसे 2% सीटें लोकसभा की मिल जाए, ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर कोई पार्टी है उसे उसे कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, मतलब स्टेट पार्टी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी बोलेंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए कुछ कंडीशन देखने को मिलेंगे, इन आधारों पर हम कोई बोल सकते हैं क्या है राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर अगर कोई पार्टी है उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। लेकिन आखिर राज्य स्तरीय जो दल है उसके लिए क्या कैटेगरी होती है, तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव में 6% वोट या फिर 2 सीटें कम से कम अगर उसे प्राप्त हो, सॉरी, आप लोगों को देखने को मिलेगा 6% वोट, 6% वोट और प्लस 2 सीटें अगर उसे प्राप्त हो तो हम उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे देते हैं। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर राज्य के अंदर जो लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उन चुनाव में उसे 6% वोट और कम से कम एक एक सीट उसे प्राप्त हो जाती है, 6% वोट प्लस 1 सीट तो उसे स्टेट लेवल पर मान्यता मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए ये राज्यसभा है, ये क्या है, विधानसभा है, तो विधानसभा में 3% और आप लोगों को देखने को मिलेगा 3% उसे सीटें मिल जाए या फिर 3 सीटें मिल जाए, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोकसभा के जो लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में प्रत्येक 25 सीटों पर एक सीट उसको हासिल हो जाए, मतलब लोकसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें 25-25 सीटों में ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो 25 सीटें हैं उनमें से एक सीट उस पार्टी को मिल जाए, हर 25 सीट पर एक सीट उस पार्टी को मिल जाए, तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई राज्य है, कोई भी राज्य हो सकता है, मानते हैं उस राज्य के लिए 50 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं उसकी, 50 सीटें हैं, तो उन्हें उस राज्य के अंदर कम से कम उसे कितनी सीटें हासिल करनी है, तो देखिए 25-25 सीटों, तो 50 सीटों को 25-25 में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो कम से कम उसे 2 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है, तो उसे स्टेट लेवल का दर्जा मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से राज्यों में लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें कुल 8% वोट मिल जाए, कुल 8% वोट मिल जाए तो भी उसे स्टेट लेवल का दर्जा मिल जाता है। तो देखिए ये कुछ कैटेगरी थी, इन आधार पर आप लोग देख सकते हैं, वैसे इनमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, मैराथन क्लास ज्वाइन करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। ओके, देखिए एक साथ चुनाव कराने की बात है वो की जा रही है, तो एक साथ चुनाव कराने से काफी सारे फायदे भी हैं कि एक चुनाव कराने में कितना खर्च आता है, तो चुनावी खर्चे है वो भी कम हो जाएगा, और बार बार जो चुनाव होते रहते हैं तो उससे देश का विकास है वो भी बाधित होता है, तो देश का विकास भी बाधित नहीं होगा, एक साथ ही चुनाव हो जाएंगे, फिर बाद में योजनाएं चलती रहेंगी, क्योंकि बीच बीच में जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लग जाती है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं रुक जाती हैं, और चुनावी मुद्दों के कारण भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो वेलफेयर है एक तरह से, खास करके पैसा है
उसे बोट के पर्पस से, उसको बोट बैंक की वजह से उसको मूव कर दिया जाता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसकी बर्बादी भी होती है धन की, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लाभ हैं इसके, एक तो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, देश का विकास भी तेजी से होगा। तो देखिए जो संसद है वो विधानसभाएं, सभी राज्यों की विधानसभाएं और संसद का अगर चुनाव एक साथ हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक साथ चुनाव होने का ये तात्पर्य नहीं है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा देश है, देश को क्या करा जाएगा, जैसे अभी बटा हुआ है वैसे ही उस टाइम भी बटा रहेगा। बस क्या होगा, जैसे कि मानते हैं इस क्षेत्र में, इस जो निर्वाचन क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र में जो लोकसभा है और विधानसभा है, एक ही समय पर दोनों जगह मतदान हो जाएगा। मानते हैं यहाँ पर 1 जनवरी को हुआ, 1 जनवरी को हुआ, और मानते हैं इस वाले जो निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पर 2 जनवरी को हो जाए, या फिर 3 जनवरी को जाए, 5 जनवरी को जाए, इस तरह से एक चुनाव का मतलब यही है। इसका मतलब नहीं है एक साथ चुनाव कराने का मतलब कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाए। तो इतने बड़े विशाल देश में ये संभव नहीं कि एक साथ ही चुनाव हो जाए, एक साथ चुनाव नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई कि एक साथ चुनाव कराने का तात्पर्य है कि एक एक जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उसमें एक साथ ही चुनाव दोनों के करा दिए जाए। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। देखिए आखिर ऐसा किसने बोला है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक साथ, ये देखिए आप लोग देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर है, ये देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर एक व्यावहारिक रोड मैप और जो फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी विधि आयोग को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है, विधि आयोग को सौंपी गई है कि भाई आप एक ऐसा रोड मैप बनाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जिससे हमारे देश में संसद और जो विधानसभा है उसके चुनाव एक साथ कराए जा सके। जिन लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो वो 480 पर कर लिया करें, क्योंकि देखिए हम जूम कर देंगे तो ये कट जाएगा। देखिए हम आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं, आप देखिए कट गया, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये ब्लर चलता है। ओके, तो इस वजह से इतना तो कम से कम हमको रखना ही पड़ेगा। देखिए अब ज्यादा करेंगे तो कट जाता है, तो हमको इतने पर ही रखना पड़ेगा ये मजबूरी में। तो देखिए ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, और देखिए यहाँ पर वही सारी चीजें बताई गई हैं कि ये सारी इस तरह से आप लोग देखने को मिलेगा। लेकिन एक साथ चुनाव कराने के जो प्रावधान हैं, एक तरह से उनमें क्या अड़चने हैं, क्या समस्याएं हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 83 है, वो कहता है कि जो लोकसभा है वो अपनी पहली बैठक से, उसका जो कार्यकाल होगा तो प्रथम बैठक होगी ना, तो प्रथम बैठक से 5 साल तक वो कार्यरत रहेगी। और आप लोगों को देखने को मिलेगा वही आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि अगर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है अगर वो कहेगा कि लोकसभा को विघटित कर दो, तो लोकसभा है वो विघटित राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये भी देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सेम जैसे ये देखिए सेंट्रल लेवल पर है, वही राज्यों के लेवल पर सेम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अनुच्छेद 172 है वो विधानसभाओं के कार्यकालों के बारे में बताता है, वही 174 है वो बताता है कि राज्य राज्यपाल है, तो जो राज्य राज्य का मंत्रिमंडल है ना, तो मंत्रिमंडल के सलाह पर वो विधानसभा को विघटित कर सकता है। सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखिए समस्या क्या उत्पन्न होती है, क्या ऐसा पहले कभी स्टार्ट नहीं किया गया था? पहला देखिए ऐसा स्टार्ट किया जा चुका है हमारे भारत के अंदर। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा 1967 में ये व्यवस्था लागू की गई थी। इस तरह से अरेंज किया गया था कि जो लोकसभा विधानसभा के सभी चुनाव है वो एक साथ कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाएं हैं वो विघटित हो गई थी, सरकारें गिर गई थी, तो वहां पर उपचुनाव कराने पड़े। अब देखिए जैसे ही उपचुनाव होगा तो जो नई गवर्नमेंट बन के आती है, जो न्यू गवर्नमेंट होती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अब इसकी जो फर्स्ट बैठक होगी यहां से 5 साल तक उसका कार्यकाल होगा। तो इसके तो अब ये तो क्या हो गए भैया, रेस से अलग हो गई, अब इसको अलग से देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1970 में लोकसभा वो भी विघटित हो जाती है, अब वो भी विघटित हो जाती तो नई लोकसभा का गठन हुआ होगा, तो वो अपनी पहली बैठक से, जब नई गवर्नमेंट बन के आई होगी वो अपनी पहली बैठक से आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा भी पहली बैठक से 5 साल तक कार्यरत रही होगी। तो ये चीजें है ना कि एक साथ अगर चुनाव करा भी दिया जाए तो हमारे संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि ये फिर से क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। अगर सरकार गिर जाए, लोकसभा का विघटन कर दिया जाए या फिर विधानसभा का विघटन कर दिया जाए, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी सरकारें हैं गिर जाती हैं, और फिर गठबंधन की ऐसी
सरकार होती है, जो सरकार नहीं बन पाती है तो मजबूरन जो निचला सदन होता है उसको विघटित करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए बाद में 1983 में, देखिए ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1983 में निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का जो प्रस्ताव है वो किया था। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह है, विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी प्रस्तावित किया गया है। साथ में दिनेश गोस्वामी समिति, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो देखिए यही इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कोई इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं है। देखिए परिसीमन आयोग की बात करें तो देखिए जो परिसीमन आयोग है इसका कार्य है, आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा देश है वो काफी बड़ा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें विभिन्न राज्य हैं, और आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यों में भी जो जनसंख्या है वो अलग अलग देखने को मिलेगी, उसका क्षेत्रफल भी अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आखिर कैसे जो हमारी संसद है, जो संसद है ये क्या है, लोगों की प्रतिनिधि सभा है, एक तरह से प्रतिनिधि सभा है। तो देखिए अब इस प्रतिनिधि सभा में किस राज्य से किस क्षेत्र से कितने मेंबर होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि समय के साथ में जनसंख्या परिवर्तित होती है, क्षेत्रों में भी हो सकता है बदलाव हो सकता है, नए राज्य हैं उनका भी उद्भव हो सकता है, राज्यों की सीमा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो समय के साथ में जो हमारी जनसांख्यिकी है वो परिवर्तित होती रहती है। तो आखिर एक कैसे फिर से सामंजस्य किया जाए, कैसे सामंजस्य किया जाए, तो इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। यही बताता है कि किस प्रकार से कितनी सीटें हैं वो संसद में किस राज्य की होनी चाहिए, और किस तरह से भारत को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाए जिससे न्याय संगत रूप से सीटों का बंटवारा किया जा सके, इसी के लिए आवश्यकता पड़ती है परिसीमन आयोग की। लेकिन परिसीमन आयोग का गठन कब किया जाता है और कौन करता है, तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें परिसीमन आयोग का जो गठन है, समानता जब जनगणना होती है, जब सेंसस होता है, मतलब 10 साल के बाद में हमारे यहाँ सेंसस होता है, तो 10 साल के बाद में जब सेंसस होता है तो जैसे ही जनगणना हो जाती, मतलब सेंसस इंग्लिश में उसको सेंसस कहते हैं, हिंदी में जनगणना बोलते हैं, तो जनगणना जब हो जाती है उसके बाद में परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और परिसीमन आयोग इसी जो जनगणना हुई है, देखिए जो जनगणना हुई है इसी को आधार बनाते हुए फिर से क्या करती है, सीटों का बंटवारा करती है, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन करती है, और अगर सीटें अगर बढ़ाई जानी है संसद के अंदर या फिर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा विधानसभा के अंदर, तो उन सीटों को भी ये बढ़ाती है, तो उसके लिए एक तरह से सिफारिश करती है, एक तरह से रिकमेंडेशन देती है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम अभी ये न्यूज में क्यों न्यूज में इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन करने का कार्य है वो अभी रिसेंटली संपन्न किया गया है, इस वजह से ये न्यूज में आ गया है। देखिए अगर हम इस परिसीमन की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण बात आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, देखिए जम्मू कश्मीर में अभी जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, इसमें जम्मू कश्मीर में पहले जो विधानसभा में सीटें हुआ करती थी वो 83 हुआ करती थी, अब 90 सीटें हो गई हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्हीं 90 सीटों में से 24 सीटें हैं वो रिक्त रखी जाती हैं, क्योंकि पीओके भी भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अभी उस पर जो नालायक पाकिस्तान है वो कब्जियाया हुआ है, उस पर अपने यहाँ की खीर तो संभलती नहीं है, दूसरे के यहाँ लात डालता रहता है, तो तभी तो वो लात खाता है इसी वजह से। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पीओके के लिए 24 सीटें वो हमेशा रिक्त रखी जाती हैं उनके प्रतिनिधियों के लिए, तो आप लोग पीओके के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए रिक्त रखी जाती है, क्योंकि वो हमारा अभिन्न अंग है, भले ही उस पर प्रशासनिक नियंत्रण है वो पाकिस्तान का है, लेकिन वो भारत का ही भाग है, इसलिए ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम परिसीमन की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो परिसीमन है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के अंतर्गत राष्ट्रपति 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन के कार्य का आदेश दे सकता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड, ये आपको देखने को मिलेंगे, इनमें 51 वर्षों से पिछले 51 वर्षों से परिसीमन नहीं किया गया है। अगर हम परिसीमन की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2002 से 8 के बीच में संपन्न परिसीमन कार्य में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को शामिल नहीं किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखिए, अब इतने समय से परिसीमन नहीं किया गया है तो परिसीमन की इधर आवश्यकता है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी चीजें दे रखी हैं, तो ये चीजें आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ा देता हूँ, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए मिल जाएगी, तो आप लोगों के लिए परेशान नहीं होना है। ये देखिए हम परिसीमन आयोग के बारे में इधर लिखे नहीं है, चलिए इधर इसे पढ़ा देते हैं। देखिए अगर हम परिसीमन आयोग की बात करें, अगर हम परिसीमन आयोग की बात करें तो इसके गठन की बात, ये देखिए आप लोगों को अब क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ अब, ठीक है। ये देखिए धुंधला ही है तो इस वजह से हम ही को धुंधला दिख रहा है, तो आप लोगों को भी जाहिर सी बात धुंधला ही दिख रहा होगा। देखिए अगर हम बात करें परिसीमन आयोग के गठन की, तो देखिए इसका जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है। जनगणना हो जाती है फिर उसके बाद में संसद है वो एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अगर आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए इसमें दिया रखा होगा तो ठीक है, नहीं दिया रखा होगा तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। भारत में अगर हम बात करें परिसीमन की, 1952 में सेंसस हुआ, 1952 में फिर क्या हुआ, परिसीमन आयोग का गठन किया गया। वही 1961 में फिर सेंसस हुआ मतलब जनगणना हुई, फिर 1963 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। वैसे 1971 में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जनगणना की गई, फिर 1973 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बार 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। ये बीच में परिसीमन आयोग कहां लुप्त हो गया, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा 84वां संविधान संशोधन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण एक 84वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ इसके तहत 2026 तक सीटों को स्थायी कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी मैं आप लोगों को ये चीज अपने नोट्स पर दिखा दूंगा, ये हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। वही अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों में भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग के गठन की बात की गई है, उसी तरह से जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बात की गई है उसी तरह से राज्यों के स्तर पर भी बात की गई है। ये आर्टिकल 170 से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए नियुक्ति है यहाँ पर दिया रखा है, परिसीमन आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सबसे प्रमुख बात है। ओके, भारत में निर्वाचन आयोग के सहयोग से ये कार्य करता है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उसके सहयोग से ये कार्य करता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें प्रत्येक संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के 3 सदस्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जो सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो रिटायर्ड भी हो सकते हैं और रिटायर ना भी हो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन किसके, सुप्रीम कोर्ट के। अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ये रिटायर भी हो सकता है और हो सकता है रिटायर ना भी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त है वो होता है, ओके या फिर अगर ये नहीं होगा तो ये वही बता देगा कि हमारी जगह पर हमारा कौन बंदा आने वाला है, तो ये चीज हम लोग देखने को मिली। इसके अलावा संबंधित राज्य है और संघ शासित प्रदेश है उनके राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं वो इसमें शामिल होंगे, बहुत प्रमुख बात है। अगर हम कार्यों की बात करें, कार्य आप लोग जानते हैं जनसंख्या में परिवर्तन के अनुरूप जो प्रतिनिधित्व है न्याय संगत बंटवारा करना होता है, जैसे कि लोकसभा और साथ में विधानसभा क्षेत्र हैं उनका निर्धारण करना आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये इसका कार्य होता है, बहुत ही सिंपल बात है। ओके देखिए मैं जो महत्वपूर्ण चीज थी जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा था, देखिए आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। वैसे देखिए यहाँ पर राज्यसभा है, वहां पर आप लोग, ये बहुत ज्यादा धुंधला हो गया है, पता नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा धुंधला हो गया है, मैं आप लोग पढ़ के सुना देता हूँ, इसी वजह से आप लोग 480 में चलाइएगा, एकदम क्लियर चलेगा। ओके देखिए अगर हम बात करें कि राज्यों में,
तो जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। सभी राज्यों के लिए अलग अलग सीटें देखने को मिलेंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए 31 है, महाराष्ट्र के लिए 19 आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये अलग बात है, ये आप लोग मतलब इस पर ज्यादा आप लोगों को फोकस नहीं करना है। देखिए ये डेटा पर एकदम फोकस नहीं करना है। देखिए अगर हम बात करें इसके अलावा, मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से सीटों का आवंटन किया गया है। देखिए अगर हम बात करें वहीं पर लोकसभा, तो देखिए लोकसभा में जो संविधान है उसमें दो उपबंध किए गए हैं कि जो सीटें हैं वो प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुरूप होगी। लेकिन देखिए जो 60 लाख के हिसाब से जो जनसंख्या है उसके हिसाब से यहाँ पर बांटी जाएंगी। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक चीज बहुत प्रमुख बात है, 60 लाख वाला वो कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत प्रमुख बात है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है उन पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा, उन पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा। देखिए अगर हम बात करें जो राज्य है उसमें समान जनसंख्या के निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें विभाजन किया जाएगा, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, देखिए जनसंख्या से आशय क्या है, तो जनसंख्या से आशय है जो नवीनतम नवीनतम जो जनगणना है हुई है उससे तात्पर्य है। लेकिन उस नवीनतम जनगणना की बात की जाती है जिसका डेटा है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध हो, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत प्रमुख बात है। देखिए जब जनगणना की जाती है तो पुनः समायोजन किया जाता है, पुनः समायोजन के लिए जो पावर दी गई है वो संसद के लिए दी गई है। अभी हम लोग देखे थे, ओके अभी हम लोग इस बात को देखे थे। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसी के अनुसार ये परिसीमन बार बार परिसीमन अधिनियम है उसका परिसीमन आयोग है वो पारित किया गया, उसी के अनुसार परिसीमन अधिनियम है सॉरी परिसीमन अधिनियम का गठन किया, परिसीमन अधिनियम है उसको पारित किया गया था, उसी के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। देखिए अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन की, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसी के अनुसार 2000 तक जो सीटें हैं 2000 तक सीटें हैं वो स्थगित कर दी गई थी, मतलब एक तरह से स्थिर कर दी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि भाई जो 1971 में जनगणना के अनुसार जो सीटें निर्धारित कर दी गई हैं 2000 तक सीटों में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि सीटें क्या होंगी फिक्स होंगी, ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके देखिए यहाँ पर ही एक 84वां संविधान संशोधन होता है, ये 84वां संविधान संशोधन होता है 2001 में, इस संशोधन के द्वारा बोला गया कि अब इसको बढ़ा करके 2026 तक बढ़ा दिया जाएगा। कब तक बढ़ा दिया जाएगा, 2026 तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। ओके कब तक बढ़ा दिया जाएगा, 2026 तक इसको बढ़ा दिया जाएगा, मतलब सीटें हैं वो अब नहीं बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर सरकार के लिए एक शक्ति दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, सरकार के लिए एक शक्ति दे दी जाती है कि अगर वो चाहें तो सीटें तो नहीं बढ़ेंगी भाई, जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा सकता है, पुनः समायोजन और संयुक्तिकरण किया जा सकता है राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। और इसमें इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो जनगणना है वो 1971 की जगह 1971 की जगह कौन सी जनगणना का उपयोग किया जाएगा, यहाँ पर 1991 में जो सेंसस हुआ है उसके आधार पर सीटों को तो नहीं बढ़ाया जाएगा, जो लोकसभा है उसमें सीटों को तो लोकसभा है उसमें सीटों को तो नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये समायोजन का कार्य कर दिया जाएगा, राज्यों के स्तर पर समायोजन का कार्य कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जनगणना कौन सी यूज होगी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1971 की जगह 1991 में जो जनगणना हुई है उसका उपयोग कर सकती है। तो सरकार के लिए पावर मिल गई, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सरकार ने 87वां संविधान संशोधन किया, 87वां संविधान संशोधन करते हुए 2003 में संविधान संशोधन किया गया था, इसी के अनुसार जो एक कार्य था अधूरा कार्य था भाई, इस अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो देखिए इसमें बोला गया था कि 1991 का सेंसस का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इस सेंसस का उपयोग नहीं किया गया, इसमें कौन से सेंसस का उपयोग किया गया था, 2001 में जो सेंसस हुआ है उसके अनुसार सीटों का समायोजन किया गया था। ओके ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं।
देखिए यहाँ पर आपको 84 माह देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग देखे थे, और यहाँ पर मैं क्या 82 माह लिखा हूँ, एक सेकंड में दोबारा से कर लेता हूँ। ये देखिए ये 84 माह ही है, चलिए ठीक है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था, देखिए जम्मू कश्मीर में जब आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 पहले अनुच्छेद 370 है वो पहले लागू होता था। अनुच्छेद 370 है, यहाँ पर विशेष प्रावधान किए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए, और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है वो लागू नहीं होता था, बल्कि जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 लागू होता था। कौन सा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम? जम्मू कश्मीर के लिए अलग से था। देखिए ये क्या प्रावधान करता था, ये जो अधिनियम था ये प्रावधान करता था कि वहां के विधानसभा में जो चुनाव होगा, ध्यान सुनिएगा, विधानसभा में चुनाव होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं वही सिर्फ मतदान कर सकते हैं, यानी कि अन्य व्यक्ति है जो वहां पर जाकर के रहते हैं जो स्थायी निवासी नहीं है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो मतदान नहीं कर सकते थे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लेकिन वहां पर पहले भी लोकसभा का जो चुनाव होता था उसमें देखिए दोनों लोग मतदान करते थे, जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी थे और जो अन्य व्यक्ति जाकर के वहां पर निवास करने लगते हैं वो लोग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा के चुनाव में तो मतदान करते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब धारा 370 हटी, जब अनुच्छेद 370 हटा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब अनुच्छेद 370 हटा तो जम्मू कश्मीर के लिए जो भी स्पेशल पावर दी गई थी वो सारी स्पेशल पावर क्या हो गई, खत्म हो गई, तो ये जो अधिनियम था ये भी खत्म हो गया। अब जो भारत में अन्य नियम लागू होते हैं वही अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में अब प्रत्येक व्यक्ति जो समान निवासी हो, आप लोग समान निवासी के अंतर्गत सभी निवासी समान निवासी के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के पहले स्थायी निवासी बोले जाते थे वो भी अब मतदान करेंगे, और जो समान निवासी होंगे जो आम निवासी हैं अन्य निवासी हैं वो लोग भी अब विधानसभा चुनाव में भी मतदान करेंगे, वोट डालेंगे, और जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी मतदान डालेंगे। बहुत प्रमुख बात है, ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि स्थाई और अस्थाई वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो अब हट गया है और इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं दिया रखा है। ओके देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोगों को वैसे ही मतलब पढ़ने वाली चीज नहीं है, फिर भी आप लोग बता देते हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर में जो मतदाता सूची है उसमें अब संशोधन किया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम अभी आप लोगों को बताए थे। देखिए यहाँ पर 7 नए विधानसभा क्षेत्र हैं, 7 नए विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी सिफारिश यहाँ पर की गई है। तो देखिए जम्मू संभाग के लिए 6 देखने को मिलेंगे और कश्मीर के लिए 1 देखने को मिलेगा संभाग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं दे रखी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात बढ़ते हैं और देखते हैं चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड पैसे का घपला तो बहुत होता है, तो देखिए चुनावी बॉन्ड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो क्या है, देखिए चुनाव जो पार्टियां होती हैं वो इतना बड़े बड़े बैनर कहाँ से लगाती है, पैसा कहाँ से आता है, इतना दारू दारू वारू बढ़ता है पैसा कहाँ से आता है, तंगड़ी चलती है, इतना दारू पिलाया जाता है कि भैया हम ही को वोट देगी, तो ये पैसा कहाँ से आता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ये व्यवस्था है, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब ये व्यवस्था की गई है। पहले क्या होता था, पैसा कैश में ऐसे गाड़ी में भरवा करके कट्टों में भरवा करके भिजवा देते थे, गवर्नमेंट कहती थी अरे ट्रैक नहीं कर पाते किस किस को दारू बांट रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा यार ये तो बढ़िया सिस्टम नहीं है यार, ऐसा करते हैं चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब जो अंशदान है वो लिया करेंगे। अब देखिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अगर अंशदान लेंगे तो ये खाता के माध्यम से जाएगा, अकाउंट के माध्यम से जाएगा, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाइएगा। ओके हम मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग रुक गई है क्योंकि ये अभी टूटू टूटू कर रहा था, ये चल रहा है अभी तो।
देखिए अब देखिए, अभी चुनावी बॉन्ड आ गया, बोले कि ये कट्टे में भर के पैसा जाता था मंत्री जी के यहाँ, वो पता नहीं चलता था, और उससे खूब ये दारू बटवाते थे, वोट ले लेते थे। तो मोदी जी ने बड़े चंट, मोदी जी ने कहा ये सिस्टम हटाना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा अब ये पैसा कहाँ से जाएगा, अकाउंट में जाएगा, अकाउंट में जाएगा तो ये सारा ट्रैक होगा, अगर इससे दारू खरीदी जाएगी तो पकड़ देंगे। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए चुनावी बॉन्ड है वो स्टार्ट किया गया। चुनावी बॉन्ड क्या है आपको एक सिंपल भाषा में समझा देते हैं, वैसे हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में पढ़ाई भी है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये कहाँ से खरीदा जा सकता है, एसबीआई की जो नंदा ब्रांच है वहां पर ही, बोले सरकारी बैंक में जाकर के चुनावी बॉन्ड खरीदो। बॉन्ड क्या है, एक तरह से ये समझ लीजिए एक बॉन्ड ही होता है, इसको जाकर के आप खरीद सकते हैं, जो एसबीआई की जो ब्रांच है वहां पर जाकर के खरीद सकते हैं। जब आप इसको खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख का खरीद लिया और आपने कहा कि हम इसे किसी पार्टी को देना चाहते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप एक्स पार्टी, आप लोगों को देखने को मिलेगी इस एक्स पार्टी के लिए हमने क्या खरीदा है, 1 लाख का ये बॉन्ड खरीदा है। अब ये बॉन्ड है, हम ये बॉन्ड खरीद लेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 1 लाख का एक तरह से ये चेक टाइप का बन जाता है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो संबंधित पार्टी होती है उसके पास में चला जाता है, और संबंधित पार्टी जाकर के बैंक से इसको भुना सकती है। इसमें देखिए जानकारी नहीं पड़ी हुई होती है कि ये जो एक तरह से चेक जाता है, इसमें नाम इसको गुप्त रखा जाता है कि ये किसने दिया है ये आपको नहीं पता चलेगा। तो देखिए एक तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके माध्यम से जो पैसा जाता है वो गुप्त होता है, और इसके माध्यम से जो पैसा जाता है तो जो अंशदाता होते हैं उनको टॉर्चर नहीं किया जाता है कि भाई तुमने तो उस पार्टी को पैसा पहुंचाया था, अब तुम हमसे मदद मांगने आ गए, हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। तो ये चीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बता देते हैं। ओके, देखिए ये न्यूज में क्यों है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एसबीआई बैंक है उसने कुछ आंकड़े प्रकाशित किए हैं कि 2018 के बाद से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 10,000 करोड़ से अधिक की जो धनराशि है वो इसी के द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ही पार्टियों के पास में आई है। देखिए इसको कब पारित किया गया था, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय बजट जो 17-18 था, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्याज मुक्त जो लिखतों के रूप में चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक चंदी की जो व्यवस्था है उसको साफ सुथरा बनाना, पारदर्शी बनाना, जवाबदेही बनाना, ये चीज आप लोगों को एक तरह से देखने को मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ तर्क दिए जाते हैं चुनावी बॉन्ड शुरू करने के, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो राजनीतिक चंदे में जो नकदी के प्रयोग है उसको सीमित करना, इसके अलावा जो फर्जी और धोखाधड़ी होती है वो भी, धोखाधड़ी करने वाले राजनीतिक दल है उनको बाहर करना, इसके अलावा जो दानदाता होते हैं उनको राजनीतिक उत्पीड़न से दूर करना, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा काला धन है उस पर अंकुश लगाना। तो ये सारे क्या है, इसके उद्देश्य देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, उद्देश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए इनमें मैं प्रमुख चीज बता देता हूँ, देखिए ये धुंधलाई है तो इस वजह से आप लोगों को ये धुंधला ही दिखेगा। ओके, तो इस बार जो विजन वालों ने यहाँ पर एक मतलब ड्रॉबैक किया है कि इसको कितना भी जूम कर लो आप लोगों को उसमें भी देखने को मिलेगा, जब आप लोग फोटो कॉपी निकाल के लाएंगे तो ये चीजें बहुत ही धुंधली दिखेगी, एकदम ऐसा किसी को घूर घूर के टकाटकी लगा करके देखते होगे ना, वैसे ही टकाटकी लगा करके इसको भी देखना पड़ेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि चुनावी बॉन्ड, तो चुनावी बॉन्ड क्या एक तरह से प्रॉमिस नोट्स होता है, एक तरह से वचन पत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन खरीद सकता है, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चुनावी बॉन्ड को क्या केवल व्यक्ति खरीद सकता है, यस। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि निगम खरीद सकता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नागरिक और निगम दोनों ही इसको खरीद सकते हैं, बहुत प्रमुख बात है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये कितने कितने के गुणांक में जारी किए जाते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तक के गुणांक में जारी किए जाते हैं। यानी कि आप चाहे 500 रुपए का खरीदना तो नहीं खरीद सकते, या तो आप 1,000 का खरीदिए, फिर उसके बाद में 1,000 के आप लोगों को देखने को मिलेगा 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मूल्य में जारी किए जाते हैं। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ एसबीआई बैंक की चयनित शाखाओं से ही खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कब खरीदे जा सकते हैं, जब चाहो तब नहीं खरीद सकते, जैसे आज आप चाह रहे हैं आज नहीं खरीद सकते, कब खरीद सकते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह के
10 दिनों के लिए जो आप लोग देखने को मिलेगा, 10 दिन होते हैं स्टार्टिंग के, उन 10 दिनों में आप इनको खरीद सकते हैं। माह के 10 दिनों के लिए इन्हें खरीद सकते हैं। कौन कौन से माह में? जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। ये क्या है, 3 माह ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब 3 3 माह के बाद आप खरीद सकते हैं। जो तिमाही का जो पहला महीना होता है उसके स्टार्टिंग के 10 दिन होंगे, उनमें खरीद सकते हैं, मतलब हमेशा नहीं खरीद सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी अवधि कितनी होती है, बहुत प्रमुख बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो जैसे आपने एक बॉन्ड खरीदा, अब वो बॉन्ड है वो संबंधित पार्टी के पास में जाएगा, वो पार्टी के पास में 15 दिन का समय होता है। कि आपने 1 करोड़ रुपए का, आपने कहा कि चलो ठीक है, पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रही है, योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अभी ढूंढ ढूंढ करके जितने भी गुंडे हैं गुर्गे हैं उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। इलाहाबाद में आप लोग देखने को मिलेगा कि वो जो उमेश वाला कांड हो गया था उसमें, अब देख रहे हैं कि मतलब सब परेशान है भाई, गजब तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है। और हम लोगों को देखने को मिलेगा योगी जी जो है ना, गजब के हैं भाई। देखिए योगी जी हैं, उनसे थोड़े से मतलब हम लोगों के बात भी बात हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे कि अब बेरोजगारी है भाई, वो महंगाई है उस पर। लेकिन अगर प्रशासन के मामले में बात की जाए तो योगी जी का टक्कर कोई नहीं ले सकता। योगी जी ने, हम जब 2015 के करीब में जब प्रयागराज गए थे, और आज प्रयागराज की जो हालत है वो एकदम डिफरेंट है, हम खुद उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम बता सकते हैं कि वास्तव में प्रशासन के मामले में अच्छा काम हुआ है। भले ही अभी अन्य चीजों में तो काम करने की है, वो शिकायतें हैं योगी जी से हम लोगों की रहेंगी, हम उसकी मांग भी करेंगे, लेकिन अभी जो खौफ बैठा हुआ है गुंडों गुंडों के अंदर, गजब का खौफ बैठा हुआ है, एक सरकारी कर्मचारी और दूसरे ये जो गुंडे उंडे लोग हैं ये बहुत परेशान है योगी जी से। और तो लोग हैं वो परेशान ही है, ये ज्यादा परेशान हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अरे गजब हो गया भाई, आजकल गुंडा गुंडा कहता ही नहीं, मैं गुंडा हूँ बोली कि अगर पता चल गया गुंडे गुंडा है तो इसको एनकाउंटर करा दो था करके। अभी क्या हुआ कि जब उबेस पाल को मारा गया तो वहां पर कैमरे में तो 2 ही 4 आए, बाद में पुलिस बोली कि नहीं वहां पर 11 ठो लोग हैं, 11 ठो लोग हैं, तो बोले कि ये 2 4 और है ना उनको भी निपटा दो, ज्यादा उछल रहे थे। हम तो कहते हैं कि हमारी जो यूपी पुलिस है यहाँ पर थोड़ी सी ढील देती, उसे बोलना चाहिए था 21 22 जो शूटर थे वो वहां पर थे, अगर 21 22 शूटर होते तो जो भी और ज्यादा उछल रहे होते, जो हमारे राज्य के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, अराजक तत्व हैं, उन अराजक तत्वों को भी निपटा देते, बोलते 22 23 लोग थे और उसी धरना पहुंच लेते, बोले कि आ जाओ बेटा अब तुमको बताते हैं। तो जो बेचारे मासूम लोग हैं, गरीब लोग को जो परेशान करने वाले, उनको धरना पहुंचने का अच्छा मौका था, तो कम बताए, 11 नहीं बताने चाहिए थे, कम से कम 21 22 तो बताने चाहिए थे। अभी क्या हुआ ना, हमारे जहां इलाहाबाद में रहते थे ना वहां पर एक कल्लू डॉन था, कल्लू डॉन वो पहले कहता रहता था मैं कल्लू डॉन, मतलब वो डॉन वॉन नहीं है, वो बोलता था कल्लू डॉन, मतलब थोड़े चोरी चकारी और थोड़ा मार कुटाई वाला ऐसे ही काम करता है, तो कल्लू डॉन फेमस अपना नाम कर रहा था। अब उससे कोई बोलते कल्लू डॉन तो खिसिया आ जाता है बंदा, कैसा ना हम कल्लू डॉन, हम डॉन वॉन नहीं है। तो अब वो डॉन, क्योंकि डॉन अगर सुन लिया कोई बता दिया जाकर के पुलिस कह रही यही डॉन है, पता चला अगले दिन उसके यहाँ ढाबा डाल दिया जाकर के, तो अब वो डॉन उन नहीं बोलता है, अब वो इतना घबराया हुआ रहता है, अगर कोई उसको डॉन बोल दे तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी इस मामले में, हम लोगों को पूरा सपोर्ट भी करना चाहिए कि हमारा जो राज्य है, जो कभी गुंडों के नाम से बदनाम था, लेकिन आज वहां पर सुरक्षित माहौल है इस मामले में, तो काफी खुश हैं हम लोग इस बात से। तो देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 15 दिन। देखिए 15 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है, अब पार्टी के लिए जैसे योगी जी पार्टी से खुश हुए तो बोले कि चलो 1 करोड़ का चेक भेज देते हैं, तो 1 करोड़ का चेक है मतलब बॉन्ड है वो खरीदा, अब ये कहाँ चला जाएगा, बीजेपी पार्टी को चला जाएगा। बीजेपी पार्टी के पास जब जाएगा तो 15 दिन के अंदर जो पार्टी है इसको भुना ले तो ठीक है, तो 1 करोड़ उनके अकाउंट में चले जाएंगे, अदरवाइज जो ये पैसे हैं ये कहाँ चले जाएंगे। अगर ये पार्टी 15 दिन के अंदर भुनाने में असमर्थ रहती है, किसी भी कारण बस असमर्थ रहती है, तो ये पैसा पीएम राहत कोष में चला जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, इन लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए ये कहाँ पैसा चला जाता है, पीएम राहत कोष में ये पैसा चला जाता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो लोकसभा और विधानसभा के विगत चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों, और साथ में जो पंजीकृत हों,
तो वो दल हैं, सभी दल हैं चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसे मंगा सकते हैं, मतलब पैसे अंशदान ले सकते हैं, 1% वोट उन्हें मिला हो। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2017-18 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये प्रमुख बात है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य विशेषताएं इसमें दे रखी है, किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकते हैं, और चुनावी बॉन्ड है उन पर कितने खरीदे जा सकते हैं इस पर रोक नहीं है कि मतलब आप 2 करोड़ रुपए दान कर सकते हो, 10 करोड़, भैया बोले शिद्दत है अपनी, बोले कि श्रद्धा है अपनी, अरे वो वाली श्रद्धा है नहीं ठरकी हो, तो मतलब श्रद्धा है अपनी, चाहे 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 50 करोड़ दो, 1,000 करोड़ दो, जितनी श्रद्धा है उतनी दे दो, कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा चुनावी बॉन्ड जारी करने की तिथि 15 दिनों के भीतर यदि उन्हें नहीं भुनाया जाता तो SBI बॉन्ड की जो राशि होती है वो, ये देखिए यहाँ पर लिखा है PM राहत कोष में चली जाती है। देखिए यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि ये कहाँ चली जाती है, PM राहत कोष में पैसा चला जाता है, 15 दिन के अंदर नहीं भुनाया जाता। तो यही प्रमुख बात थी जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मेरा गला थोड़ा सा सूख गया है। ओके, देखिए यहाँ पर निर्वाचन विधि अधिनियम 2021 आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, चलिए वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर ठीक करा के आए हैं ना, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 की, देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों न्यूज में आया, तो राष्ट्रपति ने अभी ये मंजूरी इस पर दी थी तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज में आ गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो देखिए कुछ संशोधन है वो प्रस्तावित किए गए हैं इसके माध्यम से। किसमें संशोधन प्रस्तावित, देखिए चुनावी सुधार को लागू करने के लिए ये संशोधन है आप लोगों को देखने को मिलेगा लाया गया है। किसमें संशोधन किया जाएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी में संशोधन किया जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर दिया भी रखा है, जैसे 1950 में क्या दिया रखा है, 1950 में दिया रखा है कि जो लोकसभा है और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई है, साथ में जो मतदाता हैं उनकी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है कि कौन मतदाता हो सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ओके, योग्यताओं के बारे में और चीजों के बारे में बताया गया है, साथ में मतदाता सूची का निर्माण कैसे किया जाएगा, कैसे संशोधन किया जाएगा, कब कब अपडेट की जाएगी, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 1951 में ये भी क्या है, जन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, बस यहाँ पर सन का अंतर है आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें किसके बारे में बताया गया है, संसद के सदनों और राज्य के विधान मंडलों के जो सदन और सदनों के जो चुनाव संचालन को लेकर के जो विधियां हैं, जो चीजें हैं, गाइडलाइन है, वो सारी चीजें बताई गई। साथ में जो चुनाव लड़ेंगे उन सदस्यों की योग्यता, देखिए जो मतदाता है उनकी योग्यता इसमें है, लेकिन जो चुनाव लड़ेंगे, जो नेताजी बनेंगे, उनकी योग्यताओं के बारे में, निहर्ताओं के बारे में, योग्यताओं के बारे में इसमें बताया गया। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा चुनाव में और चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे, जो आचरण संहिता होगी, भ्रष्टाचार आचरण होगा, अपराधों से जुड़े जो मामले होंगे वो सब इसमें बताए गए हैं। ओके, तो ये देखिए ये जो है ये किससे है, ये हम लोगों से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, ये नेताओं से संबंधित है, बस इतना ध्यान रख लीजिए और इसमें नहीं। देखिए ये संशोधन क्यों किया गया, तो संशोधन इसलिए किया गया है कि भाई इसमें संशोधन करके कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा जो 22-23 देखने को मिलेगी, 23 देखने को मिलेगी, इसमें संशोधन करके बोला गया है कि जो निर्वाचन अधिकारी होगा, ओके, जो निर्वाचन अधिकारी होगा वो व्यक्ति की आधार संख्या उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है। साथ में जब आप वोट डालने जाएंगे तो वोट डालते समय आप लोगों से आपकी पहचान के लिए, आपसे पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है, मतलब वोटर आईडी नहीं, उसके अलावा भी आपसे कहा जा सकता है कि भाई आप अपनी पहचान दिखाने के लिए आधार कार्ड दिखाइए,
और साथ में आधार संख्या उपलब्ध कराइए कि जब आप पंजीकरण कराने जाए तो पंजीकरण जो अधिकारी होगा उस पंजीकरण अधिकारी बोलेगा कि आपका नाम जब हम पंजीकृत करेंगे, जब इस लिस्ट में ऐड करेंगे, जब आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस संशोधन किया गया। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अगर किसी व्यक्ति के पास में इस संशोधन के बाद पंजीकरण अधिकारी जो है उसके पास में पावर है कि वो व्यक्ति को आधार कार्ड दिखाने के लिए कह सकता है, आधार संख्या मांग सकता है। यदि व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है तो क्या मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा, या मतदाता सूची से उसका नाम है वो निकाल दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम सूचीबद्ध कराना हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट। दो चीजें बता देते हैं, देखिए वोट देना, मतदान करना हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो हमारा कानूनी अधिकार है। वो कौन देता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, वो हमें मतदान वोट देने का अधिकार देता है। लेकिन मतदाता सूची में सूचीबद्ध होने का, जो मतदाता सूची है वोटर लिस्ट है उसमें नाम लिखवाने का अधिकार है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक अधिकार है और वोट डालना आपका कानूनी अधिकार है, सांविधिक अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया नहीं रखा है लेकिन आप लोग इस चीज को नोट कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, एक तो क्या है, यहाँ पर जो पंजीकरण अधिकारी है वो आधार संख्या मांग सकता है, इसलिए संशोधन किया जा रहा है। और अगर आपके पास में आधार संख्या नहीं है फिर भी आपका, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपको वंचित नहीं किया जाएगा कि जो मतदाता सूची है उसमें आपका नाम रजिस्टर ना किया जाए, या फिर मतदाता सूची से नाम नहीं निकाला जाएगा अगर आपके पास में आधार संख्या नहीं है। आपके पास में अल्टरनेटिव दिए जाएंगे कि भाई आपके पास वो नहीं है तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स ला करके दिखा दो, वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो और डॉक्यूमेंट्स ला करके दिखा दो। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि आधार संख्या ना होने पर मतदाता सूची में से नाम नहीं निकाला जाए, क्योंकि वो ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार से वंचित करेगा तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए कहाँ चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें संशोधन करके, एक बहुत अच्छी बात है देखिए, और देखिए व्यक्तियों को जो अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है कि भाई आपके पास ये नहीं है तो नरेगा कार्ड दिखा दो, ये नहीं है तो आप कोई बीबी का कार्ड दिखा दो, तो कोई भी जो भी है वो चलेगा। तो ये राइट्स किसके पास में है, ये राइट्स हैं केंद्र सरकार के पास में। अगर हम बात करें कि वोटर लिस्ट में जो कैलेंडर अपडेट किया जाता है उसमें नाम है वो हमेशा आप सूचीबद्ध, पहले जब आता था तभी सूची, जब वोट पड़ने होते थे तब उसके पहले केवल लिस्टेड नाम में लिस्ट होता था। लेकिन अब क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चार पात्रता तिथियां मिलेंगी, चार पात्रता तिथियां मिलेंगी वर्ष में, एक कैलेंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक कैलेंडर वर्ष में चार बार आपको मौका मिलेगा कि आप अपना नाम सूचीबद्ध करा सकते हैं। जिस तिमाही में आप 18 वर्ष के होने वाले हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसी समय आप यहाँ पर सूचीबद्ध करा सकते हैं। देखिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, यानी कि हर तिमाही, जो आप लोगों को अभी हम आप लोगों को पढ़ाए चुनावी बॉन्ड में, यानी कि जनवरी था, फिर अप्रैल था, जुलाई था, फिर अक्टूबर था, सेम वही देखने को मिलेगा। वहां पर 1 से 10 दिन था लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख है, यानी कि 1 जनवरी को, या फिर 1 अप्रैल को, या फिर 1 जुलाई को, या फिर 1 अक्टूबर को आप जाकर के आप लिस्टेड करा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। और साथ में एक और संशोधन किया गया, पहले जहां पर सिर्फ वाइफ यानी कि पत्नी शब्द का उपयोग किया जाता था, अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1950-51 दोनों में संशोधन किया गया, अब पति पत्नी कर दिया है, स्पाउस कर दिया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, पति पत्नी शब्द का उपयोग किया जाएगा जहां पहले वाइफ का उपयोग किया जाता था, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका जो विस्तार है वो अन्य माध्यमों से भी किया, अन्य चीजों के लिए भी किया गया है, जैसे कि मतगणना करने, वोटर मशीन, जो वोटिंग मशीन है, साथ में चुनावी संबंधी सामग्री रखने के लिए, और सुरक्षा बलों एवं मतदाता कर्मियों के रहने के लिए परिसर उपलब्ध कराने की शक्ति है उसमें विस्तार किया गया है। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पेटी वेटी रखने संभालने की जो चीजें हैं उनमें भी थोड़ा सा विस्तार विस्तार किया गया है, जो आप लोगों को केवल देख लेना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है। इसके अलावा देखिए रिमोट वोटिंग, देखिए रिमोट वोटिंग क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रिमोट वोटिंग होती है उसके तहत मतदाता को अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित मतदाता केंद्रों की बजाय अन्य किसी स्थान पर उसको उपलब्ध कराया जाता है, तो उसको रिमोट वोटिंग बोलते हैं। जैसे
आप अपने गांव में जाएंगे, वहां पर ही वोट डाल सकते हैं, या फिर आप जिस जिस जिले के निवासी हैं उसी जिले में जाकर के आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी जगह आप कहाँ रहते हो भाई, दूसरे राज्य में रहते हो, दूसरी जगह रहते हो, तो वहां पर अगर इस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है तो उसको रिमोट वोटिंग कहते हैं, और कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। इसी रिमोट वोटिंग के लिए यहाँ पर देखिए इसमें संशोधन संशोधन किया जा रहा है। ओके, तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी कि हालांकि हालांकि जो अधिनियम की धारा 20A कहती है कि व्यक्ति को अपने निर्वाचन क्षेत्र में सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य है, तो ये कहती है, लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिमोट वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी संशोधन किया जा रहा है। तो समझ गए हम लोग। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें दे रखी हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉक्सी वोटिंग। देखिए प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, प्रॉक्सी वोटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए मैं इधर थोड़ा सा खिसका देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे से। देखिए अगर हम बात करें प्रॉक्सी वोटिंग की, तो इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसके तहत एक पंजीकृत जो मतदाता है वो अपना मताधिकार अपने किसी प्रतिनिधि को दे देता है, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग बोल देते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग का उपयोग कौन कौन करते हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल, जो हमारे सिपाही हैं, मतलब जो हमारे जवान हैं, वो जवान हैं, वो बेचारे अब हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कैसे आ जाएंगे। जिस दिन वोट पड़ेगा पता चला कि सभी सैनिक चले आए, उधर कोई हमला कर दिया, पाकिस्तानी आकर के, चीनी आकर के हमला कर दिया, बोले उधर तो वोट डालने गए सब सिपाही। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सशस्त्र बल हो गया, हमारा सीमा सुरक्षा बल हो गया, केंद्रीय रिजर्व फोर्स जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स देखने को मिलेगी, सीमा सड़क संगठन देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये जो होते हैं ये अपने परिवारजनों या फिर अन्य किसी व्यक्ति को अधिकार देते थे कि आप हमारी बदली का जाकर के वोट डाल देना, तो उसी वोट को प्रॉक्सी वोटिंग बोलते हैं बस, और कोई रॉकेट साइंस वाली चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बॉलेट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए जो जो ये होते हैं जैसे सशस्त्र बलों के जो सदस्य होते हैं, या फिर देश से बाहर रहने वाले जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, या फिर सरकारी कर्मचारी के जो पति या पत्नी हो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और या फिर निवारक निरोध के अंदर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें मतदान के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से वो प्रेषित कर देते हैं, जैसे कि आप लोग मैसेज नहीं करते वैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये क्या कर देते हैं, मतदान भेज देते हैं। साथ में यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, इनके लिए भी अधिकार दे दिया जाता है कि नहीं भाई आप अपने घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर NRI है उनके लिए भी ये फैसिलिटी अब स्टार्ट करने की बात की जा रही है। देखिए जो NRI है वो भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से ये जो फैसिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभी ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, खत के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ये आता था, तो भैया बहुत समय लग जाता था, समस्या आती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने का जो सिस्टम है उसका विस्तार किया जा रहा है कि भाई अब NRI है वो भी इस इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो ट्रांसमिटेड जो वोट होगा उसका उपयोग करके वोट डाल सकते हैं। तो इसको विस्तारित करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। अभी ये जो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, डाक मत डालते हैं एक तरह से, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके थ्रू इनका वो आता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। वर्तमान में चुनाव आयोग ने NRI को विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता ना हो तो ऐसे NRI हैं तो वो पंजीकृत करा सकते हैं भारत के अंदर। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से वोट डालने के लिए अपने अपने मतदाता केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य होगा, मतलब जाना होगा, अनिवार्य नहीं है, मतलब वो जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, मतलब बाध्य नहीं है, ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर डालना चाहते तो उन्हें जाना पड़ेगा। देखिए ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये चुनाव भारतीय चुनाव प्रणाली की अगर हम बात करें तो देखिए अगर ये चुनाव प्रणाली की बात करें, ये आप लोगों भाग 15 में, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर, देखिए ये NRI का एक सेकेंड एक चीज
क्लियर कर लीजिएगा। देखिए जो एनआरआई वाले हैं, एनआरआई को अभी डाक के माध्यम से अभी प्रेषित करने का अधिकार नहीं दिया गया है, इनके लिए केंद्र बनाए जाते हैं, स्पेशली आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्र बनाए जाते हैं उनके। और जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई कनाडा में रहता है या फिर कोई यूएसए में रहता है, तो यूएसए में ही क्या होगा, एक इस तरह से एम्बेसी के पास में या कहीं पर भी एक बूथ बनाया जाता है, उसमें जाकर के इन्हें मतदान करना होता है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, ये डाक वाला ये लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, डाक वाला जो कर्मचारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग यूज करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय चुनाव प्रणाली की, तो भारतीय चुनाव प्रणाली संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलेगी। भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार देखने को मिलेगा, जिसके 18 साल आयु हो गई हो और वो क्या है, भारतीय है, तो वो मतदान कर सकता है। धर्म, जाति, लिंग, किसी के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी क्या है, एक समान होंगे, ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जाति, ओके, जो अनुसूचित जाति उसके लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति मतलब ST है उनके लिए 47 सीटों के लिए सीटों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। राज्यसभा के लिए बताइएगा, बहुत प्रमुख बात है, बहुत लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, बताइएगा राज्यसभा के लिए SC और ST वालों के लिए कितनी सीटें हैं वो निर्धारित की गई हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है और लोग गलत कर, मतलब केवल उसमें ये सीटें नहीं पूछा जाते हैं, ये पूछा जाता है कि राज्यसभा में SC और ST वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं। तो देखिए आप लोगों को बताना है कि है आरक्षित या नहीं है, ओके, और अगर जो लोग मानते हैं तो बताना है कि कितनी सीटें आरक्षित है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके। और मैराथन क्लास में ज्वाइन करेंगे तो वहां पर हम आप लोगों को बता देंगे। अगर हम बात करें परिसीमन आयोग की, तो परिसीमन आयोग की मदद से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराया जाता है। अच्छा, ये तो वो सेम चीज है जो अभी हम आपको बताए थे, 2026 तक सीटें हैं वो स्थगित कर दी गई है, मतलब स्थिर कर दी गई है, इसी वजह से अब नया संसद भवन बनाया जा रहा है कि 2026 में सीटें अब लगभग में क्या हो जाएंगी, दुगुनी हो जाएंगी। तो लोग कहाँ बैठेंगे, सब जब ज्वाइंट मीटिंग होगी तो बैठने के लिए जगह नहीं बचेगी। अच्छा ऐसा करो, चलो संसद नया बना लो, बड़ा हॉल बनाओ जिसमें सभी लोग आ जाएं। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। भारत के अंदर जहां लोकसभा की बात करें तो वहां पर सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत का फैसला, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, वही जो राज्यसभा चुनाव होता है उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसको अपनाया जाता है। ओके, अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये चुनाव प्रक्रिया का एक अभिन्नंग होता है और इसमें कुछ विशेष बात नहीं देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख बात। अगर हम बात करें निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की लेकर के, देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक सेकेंड, देखिए हाल ही में जो निर्वाचन आयुक्त है की नियुक्ति को लेकर के चयन समिति के गठन के संबंध में लोकसभा का एक निजी विधेयक है वो पेश किया गया। निजी विधेयक क्या होता है, मंत्री के अलावा कोई व्यक्ति भी, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, मंत्री के अलावा कोई भी व्यक्ति जो सांसद है या फिर विधायक है लेकिन वो मंत्री नहीं है, अगर वो कोई भी बिल पेश करता है तो कोई भी बिल पेश करता है विधेयक पेश करता है तो वो क्या कहलाएगा, निजी कहलाएगा, गैर सरकारी कहलाएगा, और मंत्री के द्वारा जो पेश किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम सरकारी विधेयक बोलते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर कुछ बातें बोली गई हैं जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर जो चयन समिति है, तो चयन समिति है उसमें चयन समिति के माध्यम से जो चुनाव आयुक्त है उसकी चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति करने की बात की गई है। और इसमें कौन कौन होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके साथ में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ में जो निर्वाचन आयुक्त है उसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ओके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो अन्य चुनाव आयुक्त है उनको किसके द्वारा चुना जाएगा, जो प्रधानमंत्री यानी कि PM के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा,
उस समिति है वो रिकमेंडेशन जिसको देगी उसका चयन किया जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज इसके बारे में हम आपको लोगों को बता देते हैं, एक सेकेंड। देखिए अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये प्रमुख हो जाता है, सिलेबस से लिंक करना भी जरूरी हो जाता है। देखिए अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में इसके गठन की बात की गई है। चुनाव प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी, और बोला गया है कि भाई चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें एक चुनाव आयुक्त होता है। पहले एक ही चुनाव आयुक्त होता था, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वर्तमान में इसमें दो अन्य चुनाव आयुक्त और होते हैं, यानी कि अब ये तीन सदस्यीय हो गया, 3 मेंबर अब इसमें होते हैं। चुनाव आयोग में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक मुख्य मुख्य आयुक्त होता है और दो अन्य आयुक्त होते हैं इसकी हेल्प करने के लिए। अगर हम बात करें कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आप लोगों को देखने को मिलेगा 65 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक मैक्सिमम में रह सकते हैं, जो भी भाई पहले हो जाए। इसके अलावा हम बात करें अगर इसकी नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ में अगर पदमुक्ति की बात करें, मतलब ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र है वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। यानी कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। लेकिन हटाता कौन है, देखिए हटाता कौन है, हटाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन कौन सी विधि के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसी प्रक्रिया से इसको भी हटाया जाता है। यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा सदन के अंदर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा दोनों सदनों से, उसके पश्चात ही इसको हटाया जा सकता है। यानी कि एक जटिल प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें इसमें और सारी चीजों की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो अन्य आयुक्त हैं, उन्हें भी सभी, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अन्य आयुक्त हैं वो सभी कुछ जो शक्तियां उक्तियां हैं वो मुख्य आयुक्त के समान ही उसको होंगी। साथ में उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, सेम प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जो प्रादेशिक आयुक्त हैं, तो प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य आयुक्त है उससे सिफारिश के पश्चात राष्ट्रपति है वो प्रादेशिक आयुक्त को नियुक्त कर सकता है। सेवा शर्तें जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी, सेवा शर्तें पदावधि है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सदस्यों की निहारताएं, हारताएं, पदावधि, सेवा निवृत्ति, जो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनके संबंध में हमारे संविधान में उपबंध नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी योग्यताएं क्या है, निहारताएं, हारताएं, पदावधि, सेवानिवृत्ति है, इसके संबंध में संविधान में व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इनका जो वेतन भत्ता होता है वो सुप्रीम कोर्ट के समान, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके समान इनके वेतन भत्ते होते हैं। अन्य चीजें हैं आप लोग जानते हैं, इनमें हम ज्यादा भी माथा पच्ची दर नहीं करने वाले हैं। ओके, तो जो चीज थी वो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दिए। तो देखिए जैसे कि संसद है, राज्य के विधानमंडल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनके जो चुनाव है वो कराना, उनका संचालन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। देखिए ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक सेकेंड हम लोग चलते हैं अब वापस, आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को, तो ये सारी चीजें हैं जो अभी हमने आपको बताई, वही सारी चीजें सेम देखने को मिलेंगी। देखिए आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग एक सांविधिक निकाय है? नहीं, एक ही वैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद का उपयोग करते हुए संविधान इसके गठन का प्रावधान करता है, इसीलिए क्या है, एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 324 के तहत। तो ये बहुत प्रमुख बात है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, और कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमुख बात नहीं है। देखिए ओके, देखिए यहाँ पर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो ये विधेयक है ना, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 6 वर्ष है उसके कार्यकाल की बात की जा रही है, और जो प्रादेशिक क्षेत्रीय आयुक्त हैं उनके कार्यकाल 3 वर्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर कोई ऐसी मतलब प्रमुख बात नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर ये प्राइवेट बिल के बारे में बताया गया है, प्राइवेट बिल के बारे में अभी हमने आपको बताया था। ओके, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात है कि इसे सिर्फ
शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। जो प्राइवेट बिल होते हैं उनको सिर्फ जो सप्ताह का शुक्रवार होता है उसी दिन पेश किए जा सकते हैं, उसी दिन इस पर चर्चा होती है। ये देखिए समानता, जो प्राइवेट बिल होते हैं पास नहीं होते हैं 1970 के बाद में, अभी तक कभी कोई ऐसा बिल है वो अभी तक पारित नहीं हो पाया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक लोकतंत्र की, सामाजिक लोकतंत्र ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो स्वीडन है वहां पर अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे। तो देखिए सामाजिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल है वो थोड़ा सा चर्चा में आ गया है कि देखिए जो नॉर्डिक मॉडल है ये मिश्रित देखने को मिलेगा, एक तरह से पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित है स्पष्ट। इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं कि ये वो समाजवाद के तत्व है या फिर पूंजीवाद के, जो अच्छे अच्छे तत्व थे उनको ग्रहण कर लिया गया है, वही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में आ गया है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्डिक देश है ना, तो नॉर्डिक देश ने अपने सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रणालियों का एक तरह से समायोजन कर दिया है, इसी के लिए हम एक तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए इसी मॉडल की वजह से जो ये देश हैं, जहां यूएसए है वो भी परेशान है समाजवाद से, के जो एक तरह से देश है वो भी परेशान थे, लेकिन ये जो मॉडल है ये काफी कारगर रहा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर और वैश्वीकरण में भागीदारी है वो भी इन लोगों की बड़ी है, आर्थिक प्रगति है वो भी हुई, असमानता है वो निम्न स्तर पर इन देशों की देखने को मिलेगी, उच्च जीवन स्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा, विश्व में सबसे अधिक श्रम की भागीदारी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों में इसमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रतिनिधि और सहभागी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निर्भर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ शक्तियों का पृथककरण सुनिश्चित किया जाता है। अगर बात करें यह सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली जो सामाजिक सेवाएं होती हैं, बच्चों की देखभाल, सामाजिक सेवाएं कौन सी होती हैं, बच्चों की देखभाल हो गई, शिक्षा हो गया, अनुसंधान हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ओके, तो रोजगार हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इनके लिए व्यापक सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं, यह प्रगतिशील कराधान द्वारा वित्त पोषित प्रणाली होती है, तो हमारे यहाँ भी प्रगतिशील कराधान प्रणाली आप लोगों को देखने को मिलेगी। सक्रिय श्रमिक संघ और नियोक्ता संघों को मजबूत किया जाता है और यहाँ पर मजबूत श्रम बाजार की जो संस्थाएं हैं उनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी, इससे शासन व नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका के अलावा महत्वपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी और वेतन पर बातचीत और समन्वय है उसमें मदद मिलती है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र की, तो सामाजिक लोकतंत्र है ये समाजवाद और साथ में पूंजीवाद है उसका समन्वय देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। ये भी नहीं कहता है कि क्रांति के माध्यम से क्या समानता लेकर के आओ, जैसे कि मार्क्सवादी कहते हैं कि हथिया उठाओ तभी क्या मिलेगा अधिकार मिलेगा, वैसे अधिकार नहीं मिलने वाला, क्रांति करो, खून बहाओ, लाल पट्टा बांध के घूमो, तो ये मार्क्सवाद कहता है हम लोग देखने को मिलेगा। ओके, तो मार्क्सवादी क्या होते हैं, वो क्रांति के माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रांति के माध्यम से बदलाव नहीं बल्कि क्या है, समानता लाने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके तहत सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक धन के पुनर्वितरण और कल्याणकारी उपायों के जरिए समाज के भीतर अधिक समानता लाना चाहते हैं, ना कि क्रांतिकारी रूप से लाना चाहते हैं कि नहीं हजिया उठाओ, बंदूक उठाओ, और जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बिहार में लाल झंडा जहां गड़ गया वो क्या हो गया, आज से एक खेत कोई नहीं काट सकता, इसको हम काट करके ले जाएंगे, बोया किसी ने भी हो, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अधिक से अधिक समानता प्राप्त की जा सके इसके लिए इसमें एक तरह से काम किया जाता है। यहाँ पर विकास बनाम क्रांति, तो देखिए मार्क्सवादी की बजाय यहाँ पर विकास के जरिए परिवर्तन लाने की बात की जाती है। ओके, और ये मिश्रित मॉडल आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व मिश्रित देखने को मिलेंगे। वहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा सार्वभौमिक सेवाएं हैं वो भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सार्वभौमिक सेवाएं क्या होती है जो अभी हम आप लोगों को बताए थे। ओके, तो देखिए जैसे देखभाल हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गया, शिक्षा हो गया, बुजुर्ग हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी इसी सेवाओं के सार्वभौमिक सेवाओं के अंतर्गत आती है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, और यहाँ पर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं दे रखी है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण, एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण
का जो संघ है इसलिए न्यूज में आया क्योंकि भारत है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसे 2022 से 24 तक यहाँ पर अध्यक्ष है वो बनाया गया है इस संघ का, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। आखिर ये संघ करता क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका नाम ही है एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण का संघ, यानी कि जो एशिया क्षेत्र में जो देशों के अंदर चुनाव होता है उस प्रक्रिया में एक तरह से पारदर्शिता को लाना, स्वतंत्रता को लाना, निष्पक्ष चुनाव हो उसके लिए एक संघ बनाया गया है विभिन्न देशों का, कौन से देशों का, एशियाई देशों का, इसीलिए एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारत इसका ना केवल सदस्य देश है बल्कि संस्थापक देश है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य है एशियाई क्षेत्र में जो गैर पक्षपात रूप से चुनाव कराए जाए उसके लिए एक मंच है वो उपलब्ध कराना, और यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ में साझा करना। इसकी जो स्थापना है 1998 में की गई थी और इसमें कोई ऐसी प्रमुख बात नहीं है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करने का प्रयास करता हूँ, कटे ना ये कट जाता है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही पर ही रखना पड़ेगा मजबूरी में। अगर हम बात करें यहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, आखिर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या होते हैं, न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अभी रिसेंटली जो भारतीय चुनाव आयोग है इसने 111 अस्तित्वहीन जो दल थे उनको अब बाहर निकाल दिया है। क्या कर दिया है, मतलब जो रजिस्टर्ड थे उनको हटा दिया है क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं थे, बहुत सालों से एक्टिव नहीं थे, उन्होंने ना कोई चुनाव लड़ा ना ही कुछ, तो बोले कि ये खाली में जगह घिरे हुए हैं, ऐसा करो इनको कचरे को बाहर निकालो। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है इसमें से इनको बाहर निकाला गया है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर पंजीकृत, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त का मतलब क्या, मतलब वो पंजीकृत भी है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त है, इसका मतलब क्या है, तो ऐसी पार्टियां जिन्होंने अपना नाम तो रजिस्टर करा लिया था लेकिन नाम रजिस्टर कराने के बाद कभी भी वो चुनाव ही नहीं लड़े, तो उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, गैर पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त बोलते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप विद्यालय में नाम तो लिखा ले लेकिन पढ़ने एक भी दिन ना जाए, तो वही चीज आप लोगों को देखने को मिले, बोले कि इस विद्यार्थी का नाम निकालो ऐसी पार्टी से। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एकदम न्यू रजिस्टर्ड जो पार्टियां होती हैं जिन्होंने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है, अभी रजिस्टर ही कराया है, अब चुनाव लड़ेंगी जब आएगा चुनाव, तो ऐसी पार्टियों को भी पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त बोलते हैं। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी पार्टियां जो पंजीकृत तो हैं और चुनाव भी लड़ी है। देखिए यहाँ पर क्या है, पंजीकृत थी लेकिन चुनाव नहीं लड़ी थी, अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पंजीकृत भी हैं चुनाव भी लड़ी हैं लेकिन उन्हें एक कोटा प्राप्त नहीं होता है कि इतना कोटा प्राप्त होगा तभी उनको मान्यता मिलेगी, ऐसा है कि भाई चुनाव में खड़ी हो उस पार्टी को एक ही वोट मिला तो क्या होगा, उसको मान्यता नहीं मिलेगी, तो उन्हीं को बोलते हैं पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ रजिस्टर्ड होती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये पंजीकृत होती है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी भाई। और ये देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो क्या कहते हैं पार्टियां होती हैं उन्हें इन सारी जो दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करना होता है, जैसे चंदा प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं तरीके होते हैं उनको बताना होता है, साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जानकारी है वो उपलब्ध कराना होता है, कंपनियों द्वारा जो चीजें हैं वो डिस्क्लोज करनी होती है, इसके अलावा बैंकों के खातों का जो विवरण है वो प्रस्तुत करना होता है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर निर्वाचन प्रतीक जो आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ये क्या है, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं जो राष्ट्रीय और कोई भी दल हो सकता है, अगर वो टूट जाता है मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अगर कोई पार्टी है उसने हसिया रखा है, अब उस पार्टी के आधे लोग अलग हो गए, आधे पार्टी के लोग दो विचारधाराएं होगी, अब वो बोले कि अब समस्या क्या आती है, समस्या आती है कि यहाँ पर जो हसिया है वो किसके इधर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सोचो कांग्रेस पार्टी है उसका विभाजन हो जाए, अब कांग्रेस पार्टी विभाजन हो जाए तो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो कौन लेगा, बड़ी समस्या आ जाएगी यहाँ पर, मतलब किसको दिया जाएगा, दोनों पार्टियां कहेंगे अरे ये चुनाव चिन्ह हमें दे दो, ये चुनाव चिन्ह हमें दे दो, अब किसको दिया जाए, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये इलेक्शन कमीशन होता है,
ये डिसाइड करता है और उसका निर्णय क्या होता है, बाध्यकारी होता है, यानी कि वो किस ग्रुप के लिए। जैसे एक पार्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये किसके पास जाएगा ये चुनाव चिन्ह, ये किसके किसके निर्णय में होता है, मतलब कौन निर्णय करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमेशा उसको ये चुनाव चिन्ह दे देता है पार्टी का, जो जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके पास में बहुमत, स्पष्ट बहुमत होता है। मतलब जैसे कि एक पार्टी है उसमें 100 मेंबर हैं, इस 100 मेंबर में से एक तरफ है कि मतलब एक तरफ आप लोग देखने को मिलेंगे 60 मेंबर, एक तरफ 40 मेंबर है, तो ये कह रहा है हमको भैया वही चिन्ह दे दो, 60 वाला भी कह रहा है हमको चिन्ह दे दो, तो इलेक्शन कमीशन कहता है इधर 60 वाली की संख्या ज्यादा है इसको दे दो, तो वो क्या कर देता है इसी को दे देता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसका निर्णय जो इलेक्शन कमीशन का होता है वो बाध्यकारी होता है, वो किसी को भी ये दे सकता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके यहाँ पर, और देखिए पंजीकृत, लेकिन देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन की स्थिति में चुनाव आयोग आमतौर पर दोनों गुटों को आंतरिक स्तर पर अपने मतभेदों को हल करने और न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने की सलाह देता है। देखिए एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं, जैसे देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा दो पार्टियां हैं, अब मानते हैं राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की मतलब नेशनल पार्टी है, एनपी लिख देते हैं, नेशनल पार्टी है, अब इसमें विभाजन हो जाता है, तो एक आम लोगों को देखने को मिलेगा, मानते हैं इसका पहले नाम एक्स था, तो एक तो एक्स नाम से रहेगी, दूसरी नई पार्टी बनी उसको हम लिख देते हैं न्यू, और मानते हैं ये बाई है, आप लोगों को देखने को मिलेगा इसे पहले वाला ही जो चुनाव चिन्ह होता है वो मिल जाता है, तो ये क्या कहलाएगी, ये नेशनल पार्टी ही कहलाएगी। लेकिन जिसके लिए नया चुनाव चिन्ह मिला है आप लोगों को देखने को मिलेगा ये नई रजिस्टर्ड पार्टी होती है, इसको अलग से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अलग चुनाव चिन्ह इसको मिलता है, आप लोग देखने को मिलेगा। अब जब ये चुनाव लड़ेगी और चुनाव में जो इसका परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर इसको राष्ट्रीय पार्टी या फिर राज्य स्तरीय पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों पार्टियां, जब कोई पार्टी है वो स्प्लिट होती है, टूटती है, तो दोनों पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिलेगा। एक पार्टी है जिसको वो चुनाव चिन्ह मिला है सेम वाला, तो वो तो उसी तरह से कार्यरत रहती है, लेकिन फिर जो दूसरी जिसको चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है तो वो नई रूप से रजिस्टर होती है और उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको क्या करना होगा, चुनाव लड़ना होगा, चुनाव में जैसा परफॉर्मेंस होगा उस स्तर पर उसको बोला जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत प्रमुख बात है। देखिए और हम लोग देखते हैं एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना, तो देखिए यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला है कि जो उम्मीदवार हैं वो क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति है लेकिन वो क्या कर लेते हैं, दो दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ लेते हैं, एक ही व्यक्ति दो दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ लेता है, तो इससे अगर वो व्यक्ति है वो अगर दोनों जगह से चुनाव जीत जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इससे उपचुनाव कराना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति दोनों सीटों पर तो नहीं रह सकता है, दो सीटों पर नहीं रह सकता है, इस वजह से उसको एक सीट है उसको त्यागना पड़ता है, और जिस सीट को वो त्यागेगा तो वहां पर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, उसकी वजह से लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का दोबारा से खर्चा बढ़ जाता है। अब दोबारा से लाखों रुपए का खर्चा बढ़ जाता है, ये पैसा किसका है, हम जनता का है। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भाई एक व्यक्ति है वो एक ही जगह से सिर्फ चुनाव लड़े, दो दो जगह से ना लड़े, इससे उपचुनाव की समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, आप लोगों को देखने को मिलेगा धारा 33(7) है, ये कहता है कि एक उम्मीदवार है अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। पहले अगर हम बात करें 1996 तक, आप लोगों 1996 तक बोला गया था कि एक व्यक्ति है, एक उम्मीदवार है, वो दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकता है, उसकी अनुमति दी गई थी, लेकिन फिर 1996 के बाद से बोल दिया गया नहीं भाई दो से अधिक से वो नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो से, केवल अधिकतम दो जगह से ही वो चुनाव लड़ सकता है। अब बात की जा रही है भाई ये दो भी हटा दो, अब सिर्फ कितने जगह से, सिर्फ एक जगह से ही उम्मीदवार क्या करे, अपना चुनाव लड़े। इसके लिए जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखिए किसमें संशोधन, धारा 33(7) में संशोधन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बोलता है उम्मीदवार है भाई वो दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति है वो दो दो शादी कर सकता है,
एक व्यक्ति है वो दो दो शादी कर सकता है, तो अब वो नियम कानून बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा ना। तो वही चीज से हम देखने को मिलेगी। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति की जो रिपोर्ट है 1990 में आई थी, और साथ में चुनाव सुधार पर जो विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट आई थी, इन दोनों ने भी ये बात बोली थी कि भाई एक उम्मीदवार एक जगह से चुनाव लड़े। कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति। दूसरी आप लोगों को देखने को मिलेगा विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट है, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है, बहुत प्रमुख बात देखने को मिलेगी। समझ में आया? बहुत ही इजी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर कानून और न्याय मंत्रालय का जो विधान विभाग है वो चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग प्रकार के बोर्ड। जैसे देखिए अलग अलग प्रकार के बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक है टेंडर बोर्ड। ओके क्या है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक है टेंडर बोर्ड। टेंडर बोर्ड क्या होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति है वो वोट देने जाता है, उसको पता चलता है कि मेरी आईडी से कोई पहले ही वोट डाल गया, बोले कि अरे साहब हम तो वोट ही डालने ना आए। तो जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा उस बूथ का अधिकारी होता है, वो अधिकारी है वो उस व्यक्ति को दोबारा से वोट डालने का अधिकार देता है एक तरह से। लेकिन वो वोट क्या कहलाता है? टेंडर वोट कहलाता है। कि वो बोला कि साहब अभी हम तो वोट दिए ही नहीं, हम तो आए नहीं, देखो हमारे अंगूठे में नाखूनी भी ना लगी हुई है, नीली। तो देखते हैं, देखो दोनों में कहूं में ना लगी हुई है, 10 की 10 उंगलियों में कहूं में ना लगी हुई है नाखूनी। तो बोल कि अरे हम तो डर ही नहीं, कौन डर दो। क्योंकि जैसे ही उस आईडी से अगर दोबारा से वोट डाला जाता है तो दोबारा वोट नहीं डाल सकते, वो एक ही बार एक्सेप्ट होता है। तो इस वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो जो भी निर्वाचन अधिकारी वहां पर होता है, जो भी बूथ का जो अधिकारी होता है, वो उस व्यक्ति को टेंडर बोर्ड के माध्यम से अधिकार दे देता है, और समान जैसे मतदाता होते हैं उसी तरह से वो भी जाकर के वोट डालता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि वो पात्र हो जाता है वोट डालने का। एक होता है चैलेंज बोर्ड होता है। चैलेंज बोर्ड क्या होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो पार्टियां होती हैं वो अपना एक एजेंट वहां पर लगाती हैं, एजेंट लगाती हैं ये देखने के लिए कि जो भी इस क्षेत्र के व्यक्ति है वही तो वोट डालने आ रहे, कोई ऐसा तो नहीं है कि और कोई वोट डालने चला आ रहा है, फेक आईडी से वोट डालने चला आ रहा है, या फिर फेक व्यक्ति वोट डालने चले आ रहे हैं दूसरी आईडी से। तो यहाँ पर एजेंट होते हैं वो देखते रहते हैं, तो एजेंट को लगता है ये थोड़ा सस्पेक्टेड बंदा है, ये बंदा क्या है, ये समान वोटर नहीं है, ये कोई घपलाबाजी कर करके आ रहा है। तो वो क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के द्वारा डाले गए वोट को चैलेंज कर सकता है कि ये व्यक्ति क्या है, ये मतदाता क्या है, फेक है, फर्जी है, वोटर क्या है, फर्जी है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये चैलेंज वोट होता है वहां पर। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा टेस्ट वोट क्या होता है, देखिए टेस्ट वोट, तो टेस्ट वोट वो वोट होता है जब व्यक्ति जाकर के वोट डाले और उसको लगे कि यार हम बटन तो दबा रहे हैं हाथ पर, लिखने जा रहा है सिर्फ कमल पर, ऐसा कैसे हो रहा है, घपलेबाजी कहां से हो रही है। तो आप लोग देखने को मिलेगा कि वो वोटर होता है, वो भी निर्वाचन अधिकारी जो होगा उससे बोल सकता है कि हमने जिसको वोट डाला था दबाए इधर था, भी दूसरे पर बोला था जाकर के। तो क्या होता है यहाँ पर टेस्ट वोट, वो कहता है चलो ठीक है तुम्हें ऐसा लगा, भ्रम हो गया तुमको, ये मशीन एकदम बढ़िया काम कर रही है, फटाफट काम कर रही है, एकदम फर्राटे वाली काम कर रही है, ऐसा करो चलो टेस्ट बोर्ड तुम दोबारा से डाल लो। तो वो फिर से एक बार अधिकार दे देता है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे ये बूथ बना हुआ होता है और यहाँ पर मशीन लगी हुई होती है, और इधर अधिकारी इस तरह से एक बैठा हुआ होता है, उस इसका तार ऐसे आता है और ये किसके सामने मशीन रखी हुई होती है, इस मशीन में जब ए अधिकारी जब बटन दबाएगा तभी यहाँ पर बूथ में इस तरह से नंबर होते हैं, इसमें नंबर को आप ऐसा नहीं कि आप गए और बूथ में और आपके सामने मशीन है उसमें आप खट 10 बार दबा दी, तो ये मतलब नहीं कि आपका 10 बार वोट पड़ गया, 10 बार पहले ये बहुत भ्रम था लोगों के अंदर, पहले दारू पिलाते थे 10 बार दबा के आइए, अरे अरे मनुआ अरे सनुआ 10 बार दबा के आइए 20 वोट हो जाएंगे दो लोगों के, तो वो एकदम खचाखच दबा करके चले जाते थे। लेकिन पता ही नहीं कि जब तक ये अधिकारी इधर बैठा हुआ है, जब तक इधर से परमिशन नहीं देगा तुम 10 नहीं 10,000 बार बटन दबा दो, काउंट एक ही बार होना है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टेस्ट बोर्ड के लिए क्या देता है, ये अनुमति देता है टेस्ट बोर्ड के लिए, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके चलिए ये समझ में आया होगा आप लोगों के लिए। देखिए
देखिए अगर हम बात करें मतदाताओं का पंजीकरण, तो मतदाताओं के अगर हम पंजीकरण की बात करें तो देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जैसे अभी हम आप लोगों को बताए थे 1900, अरे यार क्या हो गया, 1950 है, इसमें प्रावधान किए गए हैं। ओके, और साथ में निर्वाचक पंजीकरण नियम है 1960 है, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर संशोधन के अनुपालन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं कि ऐसा युवा जिसकी उम्र है वो 17 वर्ष से अधिक है वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, क्योंकि भैया 18 साल होंगे तभी आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं जब 17 वर्ष का जब आपकी आयु हो जाएगी तो अगली बार हो सकते हैं वोट पड़ने वाले हो, आप चाहते हैं हमारा एक वोट है वो बर्बाद ना जाए, तो अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अग्रिम आवेदन कर सकते हैं, मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा जैसे अभी हम लोग बात किए थे। ओके, और आप लोग देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जिस तिमाही में 18 वर्ष आपकी आयु होनी है उसी तिमाही में आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें आधार विवरण को फॉर्म से जोड़ा जाएगा, ये वैकल्पिक प्रावधान होगा, तो मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये चीज हम लोग ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा सुलभ चुनावों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति है वो गठित की गई है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने NACAE के तहत दो उप समितियों के गठन करने की बात की गई है। इन उप समितियों का उद्देश्य है आयोग की वेबसाइट तक पहुंचने में सुविधा है उसको एक तरह से बढ़ाना, सुविधाजनक बनाना, उसके समय उसके परिप्रेक्ष्य में क्या देना है, रिकमेंडेशन देना। साथ में जो दिव्यांग लोग हैं, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप वाले लोग हैं, ये जिनको PWD के नाम से जाना जाता है, देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब पी फॉर पर्सन, डब्ल्यू फॉर पर्सन विद डब्ल्यू फॉर विद और डी फॉर डिसेबिलिटी। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं इसके लिए। आप लोग देखने को मिलेगा इन लोगों के लिए किस तरह से और ज्यादा सुलभ कराई जा सके, मतलब जो विकलांग लोग हैं वो भी अपने मतदान का अधिकार जो उनको दिया गया है, कानूनी अधिकार है, उसका उपयोग कर पाए, तो ये चीज हम लोग देखने को मिलेगी। देखिए और यहाँ पर उपचुनाव आयुक्त इस समिति का अध्यक्ष होगा, आप लोग देखने को मिलेगी। इसकी बैठक है वर्ष में 2 बार की जाएगी या फिर अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार है, और इसका कार्यकाल है 2 वर्ष का होगा, ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। इसकी संरचना है वो वैकल्पिक है। देखिए यहाँ पर अब क्या है, महत्वपूर्ण विधेयक है उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, महत्वपूर्ण विधेयक है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ और चेक भी कर लेता हूँ कि अपना वीडियो है एकदम मस्त चल रहा है क्या, क्योंकि पहली बार रिकॉर्डिंग यहाँ पर अभी हो रही है आज, तो बीच बीच में चेक करते रहे, वरना पूरी मेहनत क्या चली जाए, बर्बाद चली जाए। चलिए थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, रात बहुत ज्यादा हो गई है और रात इतनी ज्यादा हो गई, सोच रहे हैं आपके लिए हम यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी हमें शायद 1-1.5 घंटे ही हमें सोने को मिले और फिर हमको गांव जाना है, क्योंकि हमारी इस बार आप लोग जानते हैं हम बताए भी थे जब इलाहाबाद में थे हमारे नाना जी की डेथ हो गई थी, तो इस बार मम्मी है वो चली गई है, तो गाँव में कोई नहीं है, अकेले पापा है और पापा को खाना बनाना आता नहीं है, तो हमें सुबह जा करके, क्योंकि कल होली है, मेहमान बहुत सारे आएंगे तो बहुत सारे पकवान भी बनाने हैं, जा करके खाना भी हमको बनाना है, तो घर में और तो कोई है नहीं, हमें जाना पड़ेगा। दीदी हैं वो अब उनकी शादी हो गई है तो वो अपने ससुराल में हैं, और मम्मी हैं वो अपने ससुराल में चली गई, सॉरी मम्मी अपने मायके में चली गई, दीदी अपने ससुराल में चली गई हैं, तो पापा हैं उनको कुछ बनाना बनाना आता नहीं, पापा को हमारी चाय भी बनाने नहीं आता, तो पापा को हम ही खाना बना करके खिलाते हैं। अभी शाम को आए थे तो पापा जी के लिए खाना खिलाए थे, लेकिन पापा अभी हमें शाम को गांव ले जा रहे थे कि चल हमारे साथ में, हमने कहा हम पापा अभी नहीं आ पाएंगे, हमको क्लास रात में रिकॉर्ड करना है, तो कंप्यूटर सही करते करते लगभग में 11-12 बज गया था, मतलब पूरी सेटिंग करते करते, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर सो लेंगे और फिर आप लोग फिर जाएंगे खाना वाना बनाएंगे, बहुत टेस्टी, जैसे आप लोगों के लिए मन से पढ़ाते हैं एकदम झमाझम वाला, वैसे ही एकदम जबरदस्त खाना भी बनाते हैं हम, खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, जो एक बार खाते हैं वो दीवाना हो जाता है, तो देखिए जैसे आप लोग पढ़ाते हैं एकदम आप लोग एक दिमाग में फंस जाता है, मस्त लगता है एकदम, वैसे ही खाना भी हमारा बहुत मस्त लगता है, हर चीज़ बना लेते हैं, कड़ी वड़ी हर एक चीज़ बना लेते हैं, लड़कियाँ क्या ऐसा बनाती होंगी जैसे आरजी सर खाना बना लेते हैं, जो भी खाता है वो क्या हो जाता है, दीवाना हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चीजें देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर बात करें, बहुत तेज नींद आ रही है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है ना,
आप लोग देखने को मिलेगा अगर हम बात करें कि यहाँ पर बहुराज्य सहकारी समितियों की, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा विधेयक है 2022, आप लोगों को देखने को मिलेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको क्या करने की बात की जा रही है, एक तरह से विलय करने की बात की जा रही है। ओके, संयुक्त समिति के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसी के लिए पास किया गया। ओके, तो देखिए अगर हम सहकारी समितियों की बात करें तो देखिए जो सहकारी समितियां होती हैं, अगर हम इससे तथ्यों की बात करें तो इसमें यह है विधेयक बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। यह है संशोधन 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को ध्यान में रख कर किया गया है। 97वें संविधान संशोधन ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा जो 9B आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो 9B जोड़ा जिसमें सहकारी समितियों की बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसके लिए एक नया भाग संविधान के अंदर जोड़ा गया था। ओके, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य है पारदर्शिता है, उत्तरदायित्व है उसको बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें सुधार करना, साथ में बेहतर वित्तीय सुशासन को प्रोत्साहित करना, ये सारे इसके उद्देश्य देखने को मिलेंगे। देखिए अगर हम बात करें जो ये विधेयक है, इस विधेयक में 2022 में क्या एक्स्ट्रा चीजें लाई गई हैं, तो देखिए एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए जो एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी है उसकी स्थापना की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना कौन करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा इस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसमें कौन कौन होगा आप लोग देखने को मिलेगा, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा, इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा 3 अधिकतम मेंबर को नियुक्त किया जा सकता है, 3 अधिकतम मेंबर के लिए और नियुक्त किया जा, यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्लस क्या है 3 मेंबर मैक्सिमम इसमें नियुक्त किए जा सकते हैं। इनका कार्य क्या है, जो सहकारी समितियां हैं उनका चुनाव करना, साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो निर्वाचक नियमावली है उसको तैयार करना, उसका पर्यवेक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में जो सहकारी लोकपाल है उसकी नियुक्ति भी, लोकपाल जैसे कि लोकपाल आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्र राज्य में क्या होते हैं, लोकपाल लोकायुक्त होते हैं, उसी तरह से इसका भी क्या होगा भाई, सहकारी लोकपाल होगा, ये भी क्या करेगा भ्रष्टाचार पर शिकायतों पर जांच बांच करेगा, सेम वही चीज देखने को मिलेगी। समामेलन और विभाजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए जो उपस्थित है, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा एक आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सहकारी समितियों के कम से कम 2/3 सदस्यों को इस तरह के विलय की अनुमति देने के लिए एक संकल्प पारित करना होगा, तभी सहकारी समितियों का क्या किया जा सकता है, विलय किया जा सकता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सहकारी, देखिए ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, सहकारी पुनर्सुधार और पुनर्निर्माण और विकास निधि आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए इसके द्वारा इन चीजों की भी स्थापना की जाएगी, जो सेम चीज अभी हम आप लोगों को बताए हैं। यह निर्देशक मंडल की संरचना में संशोधन करता है। निर्देशक मंडल है उसमें देखिए कम से कम एक निर्देशक है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा SC ST वर्ग से होगा, और 2 निर्देशक हैं वो महिला वर्ग से होंगे। यानी कि जो निर्देशक मंडल है उसमें क्या करता है, एक SC और ST वर्ग से मेंबर होना चाहिए, एवं 2 क्या होने चाहिए, 2 मेंबर कौन होने चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं अपराधों के लिए दंड में वृद्धि है, जहां 5,000 रुपए पहले इसमें जुर्माना लगता था अब उसको बढ़ा करके 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। ओके, और रिटर्न और सूचना दाखिल करने में विफल होना भी क्या है, एक अपराध के अंतर्गत आएगा। समवर्ती लेखा परीक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए बहुराज्य समितियों के लिए एक नई धारा 70 आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर वार्षिक टर्नओवर जमा राशि है उससे संबंधित सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखिए सहकारिता सिद्धांत क्या है, सहकारिता पहले समझ लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है सहकारिता, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े वो लोग जानते होंगे, जो नहीं पढ़े वो आप लोग बता देते हैं सहकारिता क्या है। सहकारिता वही है कि कोऑपरेटिव मतलब सब आकर के मिल जाएं, समान उद्देश्यों समान हितों वाले, आप समान उद्देश्यों और समान हित वाले जो लोग होते हैं वो आपस में मिलते हैं, वो मिल करके ग्रुप बनाते हैं, उसी को बोलते हैं सहकारी। ओके, तो देखिए सहकारी सोसाइटीज या सहकारी समिति, जैसे कि अमूल क्या है, एक सहकारी समितियां हैं कि वहां पर महिलाएं हैं आपस में मिली और फिर वो गाय भैंस का दूध है वो इकट्ठा की, और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंतर्गत इतना उत्पादन किया कि वो अब आप लोगों को देखने को मिलेगा टॉप कंपनियों में से एक।
है। इसी तरह से महिलाएं हैं वो बोलेगी चलो ठीक है हम कोई कोई मिलकर के अपने स्तर पर छोटे स्तर पर कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो वो मिलकर के ग्रुप बना सकती हैं। तो समान हित हैं, वो समान हित आर्थिक हित हो सकते हैं, इसी तरह से राजनीतिक हित भी हो सकते हैं, तो राजनीतिक सहकारी समितियां भी हो सकती हैं। उसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कृषि सहकारी समितियां भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर नहीं लिखा है और कहीं लिखा होगा, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम इसकी सहकारिता की बात करें तो शिक्षा, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको जूम तो कर सकते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे सहकारिता के सिद्धांत की बात करें तो समुदाय के लिए चिंता आप लोगों को देखने को मिलेगी, साथ में स्वैच्छिक होता है और साथ में खुली सदस्यता होती है, ऐसा नहीं कि अनिवार्य सदस्यता, जो आए समान हित है तो आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके समान हित है, आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, समान हित है, आपस में मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण कर लिए क्लब, तो क्लब भी क्या हो गया एक तरह से कोऑपरेटिव हो गया। साथ में स्वायत्तता और स्वतंत्रता इसमें मिलती है सभी के लिए, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों पर नियंत्रण भी होता है, शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, साथ में सहकारी समितियों के बीच में सहयोग है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके एक दूसरे का सहयोग होगा तभी तो सारी चीजें आगे बढ़ेगी, इसीलिए लाइक शेयर करते रहे दबा करके, तभी तो सहयोग होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अभी हम लोग इसकी तो बात कर लिए, देखिए ओके सहकारिता के बारे में, तो सहकारिता अभी हम आप लोगों को बताए, सहकारिता क्या है, समान आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं वो मिलकर के एक स्वैच्छिक संगठन बना लेते हैं, मतलब स्वैच्छिक का मतलब क्या है, अपनी इच्छा से आना, अपनी इच्छा से आना भाई क्या है, स्वैच्छिक है, और ये समितियों में शामिल लोग साझा हितों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, इसका उद्देश्य समाज में गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करना और सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सहकारिता है वो राज्य सूची का विषय जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सहकारिता है वो राज्य सूची का विषय देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सहकारिता का विषय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के समर्थन और मार्गदर्शन में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के अधीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में इसकी संख्या सर्वाधिक है, फर्स्ट नंबर पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर दिल्ली है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें विश्व की 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों में, तो इसमें देखिए अमूल दूध वाली हम अभी आप लोगों को बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर ही आ गया, अमूल है वो विश्व की 300 सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनमें से एक है। इफको, इफको जो खाद बनाती है, यूरिया खाद बनाती है, इफको बहुत तरह की खाद बनाती है, एमपीके यूरिया, इफको आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा किरबिको, एक किरबिको पता नहीं कौन सी कंपनी है, होगी कोई, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वैसे आवश्यकता नहीं सर्च करने की, वैसे जो आप लोग जनरल नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर हम बात करें सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की, तो इसमें सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची में ये राज्य सूची के विषय में रखा गया है, जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे। इसके अलावा अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19(1)(c), जहां पहले सिर्फ संघ बनाने की स्वतंत्रता थी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें अब संघ सहकारी समितियां बनाना भी उसमें जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 97 वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति बनाना एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अनुच्छेद 43(b) है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्वैच्छिक संगठन है, स्वायत्त कामकाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें भाग में, तो कौन से भाग में, अभी हम आप लोग बताए थे भाग 9(b) में आप लोगों को सहकारी संघवाद के बारे में देखने को मिलेगा। ओके देखिए सहकारी संघवाद के निगमन बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए शर्तों और सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 243(zh) से 243(zt) तक आप लोगों को शामिल देखने को मिलेंगे। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, इसी में संशोधन करने के लिए संशोधन लाया गया है, इसी अधिनियम में संशोधन करने के लिए, यह एक से अधिक राज्यों में संचालित होने वाली सहकारी समितियों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, मतलब ऐसी सहकारी समितियां जो अपने राज्य में ही संचालित हो,
लेकिन कुछ ऐसी सहकारी समितियां होती हैं जो कई राज्यों में अपनी ब्रांचें फैलाई हुई होती है, तो उनके उनके पंजीकरण की बात ही करता है। देखिए अगर हम बात करें सहकारी समितियां हैं उनके प्रकारों की, अगर बात करें तो देखिए सहकारी समिति सहकारी ऋण समिति हो सकती है, जैसे अभी हम आप लोग बताए थे जो भैया ऋण बेड़ प्रदान करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्पादन समितियां हो सकती है, लघु स्तर पर महिलाएं आपस में मिलकर बोले कि अब बेना बनाएंगे सब, ओके तो बेना बनाएंगे तो सब क्या आपस में जुड़ गए, बोले कि चलो मग्गा बनाते हैं, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं तो महिलाएं मिल करके बनाएंगे, बोले चलो पकौड़ी बनानी आती है चलो बनाते हैं, गोलगप्पे बनाने आते हैं चलो बनाते हैं, ओके तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। उपभोक्ता समितियां हो सकती हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उपभोक्ताओं की अधिकारों की रक्षा करती हैं। सहकारी कृषि समितियां हो सकती हैं, मतलब जो कृषि भूमि होते हैं स्वामी होते हैं उनकी व्यक्तिगत रक्षा करती हैं एक तरह से, और साथ में उत्पादन उत्पादन में भी काम करती हैं। आवास सहकारी समितियां भी इसी तरह से देखने को मिलेगी, मतलब सहकारी समितियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे उद्देश्य होंगे वैसी समितियां देखने को मिलेगी। जैसे ये देखिए विपणन सहकारी समिति, ओके जो सौदे उदेबाजी की शक्ति और ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक बहुत प्रमुख बात है आप लोगों के लिए, इसके बारे में हम आप लोगों के लिए पहले भी पढ़ा चुके हैं। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा ई मार्केट प्लेस जिसको जैम के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से जैम एक ऐसा पोर्टल है जहां पर सरकारी निकाय है वो जाकर के यहाँ पर जाकर के अपना सामान है वो खरीद करते हैं, जो भी उनको जरूरत का सामान है वो यहाँ से खरीदते हैं इस जैम पोर्टल के माध्यम से, ई मार्केट प्लेस के माध्यम से खरीदते हैं जाकर के, ओके। अब इस पर जाकर के जो सहकारी समितियां हैं ये भी खरीद कर सकती हैं जाकर के, माल का ऑर्डर कर सकती हैं जाकर के, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ये क्या है, एक मार्केट प्लेस, एक आसान भाषा में बताते हैं, एक तरह से एक मार्केट प्लेस है, जैसे अमेजन क्या है एक मार्केट प्लेस है, जहां पर आप जाते हैं, आप जाते हैं आपको खरीदना होता है गुलाब का फूल, बोले कि अब क्या बीबी है आज थोड़ी सी रूठ गई है, या फिर बीबी का जन्मदिन आने वाला है, गर्लफ्रेंड का जन्मदिन आने वाला है, एक गुलाब ले लेते हैं, एक हार लेते हैं, तो नौ लखा हार मंगाना था गुलाब मंगाना था, बोले अमेजन पे गए अमेजन पर गए और अमेजन पे जाकर के आपने एक गुलाब मंगाया, एक हार मंगाया, ये जो भी चीजें मंगानी थी वो आप मंगाई, तो ये क्या था अमेजन क्या है, अमेजोन जो है अमेजन है वो अमेजन एक मार्केट प्लेस है। उसी तरह से जैम गवर्नमेंट बोली चलो हम भी एक अमेजन की तरह क्या बना लेते हैं, प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, अपने जो कर्मचारी जो अपने विभाग हैं सरकारी विभाग हैं वो भी तो सामान मंगाते हैं ना, उन विभागों के लिए यहां से जाकर के सामान मंगाया जाएगा। अब इस पर क्या होंगे, जैसे अमेजन पर बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं, तो इस पर भी क्या होंगे, बेचने वाले होंगे और साथ में क्या होंगे, खरीदने वाले। लेकिन ये खरीदने वाले कौन होंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभाग हो गए, मंत्रालय हो गए, जो भी सरकारी कंपनियां हो गई, वो सब क्या होंगे, खरीदार होंगे। और इधर क्या होंगे, बेचने वाले होंगे, आप लोगों को देखने को मिलेंगे सरिया सीमेंट बालू जो भी एक्सपायर्ड डेट लैपटॉप वोपटॉप जो भी चीज मंगानी है, दुनिया भर की चीजें हैं वो यहाँ से मंगा सकते हैं। सहकारी समितियां हैं वो भी इससे मंगा सकती हैं इसके माध्यम से, ये जैम पोर्टल इन लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, ओके। जैम पोर्टल क्या है, एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आपूर्ति और निपटान निर्देशालय ने इसको विकसित किया है, ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन इसमें सभी सहकारी समितियां अभी नहीं है, अभी उन सहकारी समितियों को अनुमति दी गई है जिनका टर्नओवर या फिर जमा राशि जो है वो 100 करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ रुपए वाली जो सहकारी समितियां हैं वही जाकर के जैम पोर्टल पर जाकर के ऑर्डर देना शुरू कर सकती हैं, यानी कि सभी शुरू नहीं कर सकती, ओके ये इम्पोर्टेंट बात है, ओके तो ये देखिए ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर विदेशी योगदान विनियम अधिनियम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए पहले क्या होता था, बाहर से जो पैसा आता था वो पैसा लाना बहुत ही मुश्किल होता था, भेजना बहुत ही मुश्किल होता था, उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया कि भाई जो बाहर से पैसा आता है अब क्या है 10 लाख रुपए तक का जो पैसा आएगा वो 10 लाख रुपए तक का पैसा है आसानी से आप भेज सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का पैसा है वो आसानी से आप भेज सकते हैं, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को सूचना देनी पड़ेगी, यानी 10 लाख रुपए तक अगर आप भेजते हैं तो गवर्नमेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, कतई नहीं है, बोले कि मस्त भेजो 10 लाख रुपए। लेकिन अगर 10 लाख रुपए ज्यादा भेजते हो तो आपको 3 माह के अंदर 3 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट को सूचित करना होगा कि भैया इस बार हम ये 10 लाख से ज्यादा भेज दिए हैं, तो ये क्या बताना पड़ेगा, ये सरकार को बताना पड़ेगा,
ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ में देखिए विदेशी विदेशी योगदान नियम 2011 है, इसी में संशोधन किया गया है। और ये दो 10 लाख वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपको बताए थे वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके देखिए पहले जो पहले देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, अब क्या है 10 लाख से ज्यादा अगर पैसे को ट्रांसफर किया जाता है मतलब भेजा जाता है एक तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा योगदान के रूप में, तो यहाँ पर सरकार को सूचित किया जाता है अब वर्तमान में, लेकिन 3 माह के अंदर, पहले ये 30 दिनों के अंदर सूचित किया जाता था, मतलब 1 माह के अंदर सूचित करना अनिवार्य था, अब 3 माह के अंदर ये सूचित किया जा सकता है। तो ये चीज हम लोग देखने को मिली। साथ में पहले जो ये लोग थे ये पहले अंश जो अंशदान है वो नहीं ले सकते थे, लेकिन वर्तमान में अभी अंशदान ले सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल हो गए, विधायिका के जो सदस्य हो गए, चुनाव के जो उम्मीदवार हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, न्यायाधीश हो गए, पत्रकार हो गए, मीडिया हाउस हो गए, अब ये भी अंशदान है वो ले सकते हैं। अंशदान क्या है, ले सकते हैं विदेशियों से, पहले नहीं ले सकते थे, ये संशोधन करके अब बोल दिया गया कि भैया तुम भी ले लो अंशदान, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो FCRA का जो विकास है वो कैसे हुआ। तो देखिए 1969 में संसद ने विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की। देखिए जो अंशदान है भैया, क्या मालूम कैसी फंडिंग आ रही हो, इसके लिए कैसी फंडिंग दी जाए, फंडिंग दे करके पता चला कि आतंकवादी गतिविधियां हैं, अराजक तत्व हैं, उनको भड़काया जा रहा है, बोल के आंदोलन करो, तुम्हारे 1 करोड़ रुपया अंशदान के रूप में आ जाए। तो ये क्या है भैया, तो इस वजह संसद ने क्या की थी, समस्या मतलब चिंता व्यक्त की थी। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1976 में ये दौर था इमरजेंसी का दौर था, आपातकाल का दौर था। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी समय आपातकाल के दौर में विदेशी योगदान अधिनियम 1976 पारित किया गया था और इस पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि उस समय हमारे देश की कंडीशन ठीक नहीं थी। 2010 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसी को और ज्यादा मजबूत किया गया, FCRA 2010 से यह कानून और मजबूत हो गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि हेतु जो विदेशी फंड है उसको रोकना, उसको प्रतिबंध करना, इसका उद्देश्य था। 2020 में आप लोगों को देखने को मिलेगा विभिन्न NGO जो गैर सरकारी संगठन थे, विभिन्न NGO द्वारा विदेशी फंड की प्राप्ति और प्रयोग पर सख्त नियंत्रण एवं जांच के लिए FCRA 2010 में संशोधन किया गया था, 2020 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके ये चीज है। देखिए थोड़ा सा हम आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गैर सरकारी संगठनों से संबंधित कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम लोग बात करें तो ये 7वीं अनुसूची में आप लोगों को संवर्ती सूची में देखने को मिलेगा, 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में देखने को मिलेगा। धर्मार्थ और चैरिटेबल संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। वहीं अनुच्छेद आप लोगों को देखने को मिलेगा 19(1)(c), संघ बनाने का अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। FCRA जो विदेशी अंशदान अधिनियम आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह अधिनियम भारत में गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अंशदान को नियंत्रित करता है। वहीं अगर हम बात करें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की तो यह अधिनियम भारत में गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अगर हम बात करें कानूनी अधिनियम 2013 की तो आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को उसी तरह से प्रावधान है वो देखने को मिलेगा। गैर लाभकारी कंपनी के गठन की बात है, उस पर नियंत्रण की बात है, वो की गई है। देखिए अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा एक प्रमुख बात है जो इस कानून में आप लोगों को देखने को मिलेगा, फंड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण और पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होता है। केंद्र सरकार को इस हेतु सूचित करने की अवधि जो समय सीमा है वो 15 दिन से अब बढ़ा करके 45 दिन कर दी गई है कि भैया आप पैसा लेना चाहते हैं तो पहले 15 दिन में करना होता था लेकिन इसकी अवधि बढ़ा करके 45 दिन कर दी गई है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक अलग अधिसूचना में FCRA के तहत कंपाउंडेबल यानी कि जो समनीय अपराधों की सूची को 7 से बढ़ा करके अब 12 कर दिया गया है। देखिए जो कंपाउंडेबल जो होते हैं मतलब जो समनीय अपराध भी अपराध होते हैं जिनमें समनीय अपराध भी अपराध होते हैं एक तरह से जिनको समझौते के माध्यम से वापस ले लिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए
दो कोई विवाद हुआ न्यायालय में मैटर चल रहा है, बाद में क्या हो गया, समझौता हो गया, और समझौते के माध्यम से केस विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लिया, उसको बोलते हैं समनीय बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो समनीय प्रकार के नहीं होते हैं, जिनमें ये समझौता नहीं किया जा सकता है, जो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, समनीय नहीं होते, जैसे कि रेप हो गया, हत्या हो गई, गंभीर जघन्य अपराध हो गए, जैसे कि देशद्रोही हो गया, मतलब इस तरह के आतंकवादी जो हो गए, ये कंपाउंडेबल नहीं आते, मतलब जो जघन्य अपराध होते हैं, भयानक अपराध होते हैं, कहने का मतलब कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का रेप कर दिया गया, किसी का मर्डर कर दिया गया, बोल के अब कंपाउंडेबल है, भैया मान जाओ 1,00,000 रुपया ले लो, तुम केस विड्रॉ कर लो, मतलब पीछे पीछे ऐसा हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा FCRA उद्देश्य प्रावधान, आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी विदेशी स्रोत के माध्यम से वस्तु मुद्रा या शेयर के रूप में जो दान वितरण या हस्तांतरण है, वो सब क्या आता है इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ये क्रियान्वयन किसके अंतर्गत किया जाता है, इसका क्रियान्वयन गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी है, उसके आधार पर स्वीकृति या फिर अस्वीकृति देती है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए 2020 के बाद से इसमें जो संशोधन हुए हैं विदेशी फंड को लेकर के, तो विदेशी फंड को लेकर के जो संशोधन हुए हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी है उसको अपनी जानकारी है वो देनी पड़ेगी। ओके, और साथ में उसको अपना जो भी एनजीओ है उसको अपना पंजीयन कराना पड़ेगा, वो पूर्व अनुमति लेनी होगी अगर वो पैसा वैसा लेना चाहता है तो, और आधार कार्ड भी प्रस्तुत करने होंगे प्रत्येक व्यक्ति को जो एनजीओ का सदस्य है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम बात करें FCRA खाते की बात करें तो ये खाता है सिर्फ और सिर्फ SBI बैंक जो न्यू दिल्ली है वहां पर ही इसको खुलाया जा सकता है, जो निर्धारित शाखाएं हैं, यानी कि SBI की हर ब्रांच में नहीं, न्यू दिल्ली की जो निर्धारित शाखाएं हैं उन्हीं में इस प्रकार का अकाउंट खुलाया जा सकता है और उन्हीं अकाउंट के माध्यम से अंशदान लिया जा सकता है, जिसे ट्रैक किया जा सके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें पंजीकरण की वैधता, तो पंजीकरण की जो वैधता है, अगर आपने अनुमति ली कि हम विदेशी अंशदान लेना चाहते हैं, एक बार पंजीकरण कराया तो कितने समय तक रहेगा भैया, वो 5 साल तक वैलिड रहेगा, 5 ईयर तक वैलिड रहेगा, 5 ईयर के बाद में आप लोगों को फिर से, मतलब जो भी संगठन होगा उसको फिर से रिन्यू कराना होगा कि भैया अभी भी हमको बहुत विदेश से पैसा आ रहा है एकदम जमाझम, ऐसा करो थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दो, मतलब फिर से उसको 5 साल के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। लेकिन ये 5 साल की अवधि जैसी खत्म होगी तो 6 माह के भीतर रिन्यू कराना क्या है, अनिवार्य है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फंड का उपयोग है, तो फंड का उपयोग उसी उद्देश्य से किया जाएगा जिस उद्देश्य से है, बोल के पैसा तो ले लिया कि एनजीओ का गठन किया गया है कि भारत में शिक्षा फैलाना, लेकिन वही एनजीओ पैसा जो ले रहा है 1 करोड़ वो आतंक फैला रहा है, यानी कि जिस उद्देश्य से पैसा लिया गया उसी उद्देश्य से ही खर्च करना है। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा 20% पहले ये 50% था, 20% से अधिक, ध्यान सुनिएगा, 20% से अधिक प्रशासनिक व्यय में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ हम आपको बता देते हैं, ये बड़े चंट होते हैं एनजीओ वाले चंट होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, जैसे उनके पास में 100 रुपया आया, फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया आया, और 100 रुपया आया वो दिखा देते हैं प्रशासनिक व्यय में, प्रशासनिक व्यय में जो पैसा है वो क्या हो गया 70 रुपए प्रशासनिक व्यय में खर्च हो गया, भैया हमारे पास तो 30 रुपए बचा, और 30 रुपए क्या कर दिया, ये हमने शिक्षा के लिए मंगाया था, शिक्षा में हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, यानी कि 30 रुपए दिखा देंगे खर्च, 30 रुपए है वो शिक्षा में खर्च कर दिया, 70 रुपए तो वो हमारा व्यय हो गया, प्रशासनिक व्यय हो गया, तो इसका वो डेटा ही नहीं दिखाते थे हम लोग को देखने को मिलेगा। इस वजह से गवर्नमेंट बड़ी चंट, गवर्नमेंट बोली तुम हमसे चंटे बेटा, हम तुमसे चंटे बेटा, तो बोले कि अब क्या है 100 रुपए में से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 20 रुपए है उसी को प्रशासनिक व्यय में क्या आता है, एनजीओ होंगे उसका कोई
आप लोगों को देखने को मिलेगा, अकाउंटेंट भी होगा जो सैलरी लेता होगा, उनकी कोई मतलब भूमि होगी जहां पर उनका ब्रांच होगा बना, वो तो ब्रांच का रेंट जाता होगा, बिजली बिल जाता होगा, और बहुत सारी इस तरह के आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तरह से प्रशासनिक व्यय वो आता है, कर्मचारी और कर्मचारी को देते होंगे। तो ये सब यानी कि बोले कि भैया ये 100 रुपये अंशदान है, इसका सिर्फ 20% ही क्या कर सकते हैं आप, मैक्सिमम पहले 50% था, 20% ही क्या कर सकते हैं प्रशासनिक व्यय कर सकते हैं। शेष 80 रुपये है इसको कहाँ खर्च करना है, इसको खर्च करना है जिस उद्देश्य से तुम मंगाए हो, शिक्षा के उद्देश्य से मंगाए हो शिक्षा के उद्देश्य से करो, समाज कल्याण के उद्देश्य से मंगाए हो समाज कल्याण करो, कृषि विकास के लिए मंगाए हो कृषि विकास करो। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके समझ गए आप लोग एकदम। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फंड का प्रयोग तो ऊपर कर लिया, यहाँ पर वार्षिक जो रिटर्न है वो भी दाखिल कराना होगा, जैसे रिटर्न GST रिटर्न कराते हैं वैसे सेम देखने को मिलेगा, इतनी जानने की आवश्यकता। देखिए अगर हम बात करें एनजीओ के विनियमन की, तो एनजीओ का विनियमन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी विदेशी अंशदान प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, सबसे प्रमुख बात है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है ये किसी का कि हम विदेशी अंशदान प्राप्त करना चाहते हैं तो भैया ये हमारा फंडामेंटल राइट्स। साथ में न्यायालय ने ये भी बताया कि भाई जब अंशदान लिया जाता है तो अंशदान की वजह से देश की समग्रता एकता अखंडता सुरक्षा है वो प्रभावित हो सकती है और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, तो भाई इस पर नियंत्रण लगाया जाना भी एकदम उचित है। इस वजह से न्यायालय ने विदेशी योगदान अधिनियम जो 2010 था उसकी उस पर क्या कर दिया, वैधानिकता पर मोहर लगा दी, उसके संशोधन जो किया गया था ना उसकी वैधानिकता पर मोहर लगा दी, बोले कि ना भैया ठीक है गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो सही है, देश की सुरक्षा एकता अखंडता के लिए ये जरूरी है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एनजीओ है वो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन लेकिन इन्हें वैधानिक दर्जा तो प्राप्त है ना, आप लोगों को देखने को मिलेगा ए ट्रस्ट सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड गैर सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं तो इन्हें वैधानिक दर्जा तो प्राप्त है, तो भैया सब कुछ तुम्हारे ऊपर लागू होगा, बचने वाले नहीं है एनजीओ बेटा। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो फीमा के तहत पंजीकृत और भारत में अलग अलग संघों को विदेशी धन का वितरण करते हैं, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मॉडल टेनेसी एक्ट। ओके तो देखिए टेनेसी एक्ट क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा चार राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, इन्होंने अपने किराएदारी कानूनों को संशोधित किया है, मतलब अपना घर है, लोग किराए पर उठा देते हैं, रेंट पर उठा देते हैं, तो उसके लिए अधिनियम लाया गया है, मतलब थोड़े से नियम कानूनों को सरल बनाया गया है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो विवाद उवाद होता है मकान मालिकों किराएदारों के बीच में वो भी ना हो, उस वजह से यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए। देखिए तो चलिए हम लोग इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, वैसे जूम करने पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ओके मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं क्योंकि रात बढ़ रही है तो इनकी भूख भी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है तो ये हमारा खून चूस रहे हैं। ओके शादीशुदाओं की तो बीबियां खून चूसती हैं, हमारी तो बीबी है नहीं तो यही हमारा खून चूसते रहते हैं, रूम में बहुत ज्यादा मच्छर है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें मॉडल टेनेसी एक्ट की, अगर हम बात करें 2021 के बारे में, तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने MTA 2021 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में किसी परिसंपत्ति को किराए पर लेने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना है, साथ ही इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में जो किराया अर्थव्यवस्था है उसको सहयोग देना है। आप लोगों को देखने को मिलेगा 2021 में जम्मू कश्मीर MTA को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश है बना है। आप लोगों को अगर हम बात करें आवास की, तो आवास है संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय में रखा गया है, राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए यह है मॉडल अधिनियम केवल एक सुझाव देने वाला है, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं, यानी कि जो केंद्र के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया है ये क्या है, राज्यों के लिए एक सुझाव स्वरूप है, बाध्यकारी नहीं है, राज्य चाहे तो अपनाए, राज्य चाहे तो ना अपनाए, राज्य चाहे उसके अनुसार के नियम कानून बनाए, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। किराए के आवास अनुबंधों को विनियमित करते समय
राज्यों को इस अधिनियम का पालन करना चाहिए। देखिए इसमें इसमें जो है औद्योगिक परिसर वर्सर शामिल नहीं किए गए, जैसे देखिए किस पर लागू होगा, ये आवासीय और वाणिज्यिक या शैक्षणिक उपयोग करने वाले परिसरों को कवर करेगा, लेकिन औद्योगिक, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ पर आवासीय व्यावसायिक और साथ में शैक्षणिक उपयोग किए जाने वाले परिसरों को शामिल करेगा, लेकिन औद्योगिक प्रयोग करने वाले परिसरों को नहीं। यानी कि जो आप लोगों को देखने को मिलेगा आवास, जैसे कि रेंट पर रहने के लिए लोग घर ले लेते हैं, शैक्षणिक उपयोग लिए कोचिंग है स्कूल है खोलने के लिए ले लेते हैं, इसके अलावा वाणिज्यिक जैसे दुकान उकान खोलने के लिए, जूस की दुकान खोल ली, कोई होटल खोल लिया, वो वाणिज्यिक छोटे मोटे आप लोगों को चुट्टू पुट्टू चीजें देखने को मिलेंगी, उसके लिए यहाँ पर जो अगर लेते हैं रेंट पे वो सारे के सारे इसमें आते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर होटल, यहाँ पर लॉजिंग हाउस जो होते हैं, सराय होते हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। देखिए जो रेंट पर किराए के लिए लिए जाते हैं वो तो शामिल किए गए, लेकिन रेंट पर तो होटल भी लिया जाता है, लेकिन होटल को नहीं शामिल किया गया। होटल हो गया, लॉजिंग जो लॉजिंग हाउस हो गया और साथ में सराय हो गया, मतलब होटल मोटल सब इसमें आते हैं। मोटल, अच्छा आप लोगों को बता देते हैं, देखिए एक आप लोगों ने सुना होगा होटल, एक सुना होगा मोटल। होटल होता है जहां पर आप लोग जाकर के सो भी सकते हैं और खाना भी आप खा सकते हैं जाकर के, उसको बोलते हैं होटल। मोटल क्या होता है, जहां आप जाकर के सो सकते हैं लेकिन वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, भोजन आप बाहर से मंगाइए या फिर बाहर जाकर के खाइए, उसको बोलते हैं मोटल। तो आप लोग कभी देखेंगे बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां पर लिखा होता है मोटल, तो समझ जाइएगा जो खब्बू लोग हैं वो वहां पर ना जाएंगे कि खाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मोटल में रहने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है, मंगा सकते हैं बाहर से, ओके मंगा करके खा सकते हैं, ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। देखिये अगर हम बात करें कि यहाँ पर किराएदारी समझौते की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर परिसर किसी को दिया जाता है तो वहां पर लिखित समझौते के बाद ही ऐसा किया जाए, अन्यथा ऐसा ना किया जाए। आप लोगों को देखने को मिलेगा अनुबंध खत्म होने की तारीख से आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 माह के भीतर प्रस्तावित किराया प्राधिकरण को इस बारे में सूचित भी किया जाएगा, मतलब जब भैया वो व्यक्ति है रहने लगेगा और जो अनुबंध हो जाएगा उस तारीख के बाद में 2 माह के अंदर ही जो भी प्राधिकरण होगा उसको सूचित करना होगा, ये फला व्यक्ति हमारे पास में रहता है, इतना किराया है इसका, 2000 रुपया देता है, 10000 रुपया देता है मंथली, जो भी देता है वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके देखिए अगर अगर हम वहीं पर बात करें यहाँ पर कि किराएदारी की अवधि की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा किराएदारी अवधि के नवीनीकरण या विस्तार के लिए मकान मालिक से अनुरोध कर सकता है, मतलब जैसे उसने 6 माह के लिए एग्रीमेंट किया था लेकिन अब वो आगे बढ़ाना चाहते तो अनुरोध कर सकता है। ओके लेकिन अगर मालिक कहेगा भैया खाली करो, तुम्हारा ये एग्रीमेंट पूरा हो गया 6 माह का, तो खाली करना पड़ेगा, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन खाली करने में अगर वो असमर्थ रहता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा खाली करने में असमर्थ रहता है तो पहले 2 माह में जो उसका किराया होगा वो दुगना होगा। जैसे पहले 1000 रुपए अगर वो दे रहा होगा फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, मतलब उसको कितना देना पड़ेगा, 2000 रुपए देना पड़ेगा। कितने माह तक, 2 माह तक उसको अब 1000 की जगह 2000 देना पड़ेगा, 10000 का है तो उसको 20000 देना पड़ेगा, 50000 रुपए का फ्लैट है तो उसको 1,00,000 रुपए देना पड़ेगा 2 महीने तक अगर वो और ज्यादा रहता है तो। अगर फिर भी वो मकान खाली नहीं करता है एग्रीमेंट के बाद और 2 माह से भी ज्यादा हो जाते तो उसको फिर 4 गुना है, 4 गुना उसको किराया देना पड़ेगा, 4x किराया देना पड़ेगा, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर बात करें, भैया कितना सिक्योरिटी देना पड़ेगा, जाते हैं तो 2 महीने का सिक्योरिटी वैसे समान कर लिया जाता है दिल्ली बिल्ली में, आप लोगों को देखने को मिलेगा अधिकतम 2 माह के किराए तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन गैर आवासीय संपत्ति के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 माह, मतलब 6 मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगा गैर आवासीय जो संपत्तियां होती हैं, लेकिन जो आवासीय संपत्ति है उसके लिए 2 माह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म की तो देखिए राज्य की स्थानीय भाषा में इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है, देखेंगे आगे आएगा तो। किराए पर लिए गए स्थान को किसी और को किराए पर देनी है, अगर जैसे हमने किराए पर लिया था, हमारा 6 माह का एग्रीमेंट था लेकिन अभी एग्रीमेंट की अवधि बची हुई है तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं हमारी जगह हमारा दोस्त रहने लगे आकर के, लेकिन हमारा दोस्त आकर के रह सकता है लेकिन मकान मालिक से पहले
अनुमति लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये नियम कानून किए गए हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर त्रिस्तरीय निस्तारण प्रणाली, जैसे कि अगर कोई समस्या आ गई तो कहाँ जाएगा व्यक्ति, भैया मकान मालिक और किराएदारों में झगड़ा हो गया, तो इसके लिए अलग से किराया अधिकरण है, उनका स्थापना किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर जाकर के आपको मैटर सुलझे, ठीक है, नहीं सुलझाता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा किराया अदालत होगी, फिर उसके बाद में किराया प्राधिकरण होगा, इस तरह से आप लोग देखने को मिलेगा। आप इसमें इसकी अपील कर सकते हैं, इसकी अपील इसमें कर सकते हैं जाकर के, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसमें समय सीमा का निर्धारण भी कर दिया गया है, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए सिविल कोर्ट से किराएदारी विवादों के बोझ को कम करने के लिए यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है अपनाई गई है। यहाँ पर तीन स्तरों पर होगा कि आप पहले वाले कोर्ट में जाइए, अगर यहाँ पर आपका समाधान नहीं होता है फिर इसमें जाइए, फिर इसमें जाइए। ओके, एक तरह से ट्रिब्यूनल है, प्राधिकरण है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और 60 दिनों के अंदर 60 डेज के अंदर ही निपटारा कर दिया जाएगा, तो मतलब एक तरह से त्वरित निपटारा होगा, ये भी अच्छी बात है, वैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाओगे। इसके अलावा अगर बात करें राज्य सरकार के अनुरोध पर जिला कलेक्टर द्वारा इन प्राधिकरण, किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालयों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, जिला कलेक्टर के द्वारा। जिला कलेक्टर जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, वो इनकी नियुक्ति करेगा। तीनों स्तरों की आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा राज्य संबद्ध क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट के साथ परामर्श करने के बाद प्रत्येक जिले में किराया अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा मॉडल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों से संबंधित मामलों में किसी भी सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। मतलब सिविल कोर्ट जो होंगे उनके क्षेत्राधिकार इनको दे दिए गए, तो भाई उनको क्यों दिए जाएंगे, तो इसी वजह से ये ऐसा किया जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर खाली कराना, तो खाली कराना है भैया, जो मतलब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो भैया खाली करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, आप भी देख सकते हैं जाकर के। हमारी आंख नहीं खुल रही है, बहुत भयानक नींद आ रही है, क्योंकि अब तो सुबह ही होने वाली है। कोई बात नहीं, क्योंकि कई शायद 1.5-2 घंटे से क्लास ही रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तो। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम बात करें दंड प्रक्रिया नियम की 2022, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए गृह मंत्रालय ने दंड प्रक्रिया अधिनियम को शासित करने वाले दंड प्रक्रिया नियम 2022 को अधिसूचित किया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022 के बारे में, यह अधिनियम बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 की जगह लाया गया है। बंदी शिनाख्त अधिनियम को दोषी व्यक्ति एवं आरोपियों की जैविक माप और फोटोग्राफ लेने हेतु पारित किया गया है। हम आप लोग बता देते हैं क्या है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा ये शिनाख्त का होता है भाई। शिनाख्त वैसे बड़ा खतरनाक शब्द लग रहा है, लेकिन इसका इंग्लिश देखिए, इसका इंग्लिश होता है आइडेंटिफिकेशन। देखिए कितना सिंपल है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हिंदी बड़ी खतरनाक होती हैं, सुने नहीं होंगे शिनाख्त, लेकिन जो लोग कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते होंगे, जैसे यूपी बिहार वाले हैं वो लोग, जब और राज्यों के लोग हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो लोग डेट भर जाते हैं, लेकिन हमारे यूपी बिहार वाले लोग हैं जब ये 18 साल के हो जाते हैं तब ये तारीख पर जाते हैं। तो जो लोग तारीख पर जाते होंगे, डेट पर जाते होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो तारीख पर जाते होंगे उनको बड़ा पता होगा शिनाख्त का होता है। ओके, अरे बहुत बच्चड़ आ गया है ये, तो हमारी जान ले रहा है, हम इसका मर्डर कर देंगे लगता है, फिर हमको भी अपनी शिनाख्त करानी पड़ेगी। शिनाख्त का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा कि जब जो भी अपराधी होता है उसको पहले हाइट लिया जाता है, तो एक फोटो खींचा जाता है, फिर वो ऐसे अपना नाम लेता है, फिर ऐसे करके फोटो खींचाता है, फिर ऐसे करके फोटो खींचाता है, फिर ऐसे करके फोटो खींचाता है। वही क्या है शिनाख्त, जिसमें माप ली जाती है, फोटोग्राफ लिया जाता है, नेम लिया जाता है, ऐसे तख्ती पकड़ के खिंचवाया जाता है नंगा करके फोटो, तो वही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, वही क्या होती है शिनाख्त होती है। इसमें संशोधन किया गया है, संशोधन करके इसमें बोला गया है कि अब जैविक माप भी लिया जा सकता है। जैविक माप में क्या है, फिंगरप्रिंट, आई रेटिना, ओके, और जो स्पर्म होता है, सलाइवा होता है, ब्लड सैंपल होता है, बाल होते हैं, जिसकी भी आवश्यकता है, यूरिन होता है, ओके, जो भी चीज की आवश्यकता है वो चीज यहाँ पर ली जा सकती है। तो ये चीज है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो भी देख लेना जरूरी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ
कुछ प्रावधानों के लिए यहाँ पर जो 2022 में है तो उनको एक नजर में यहाँ पर बताया गया, कुछ प्रावधानों के लिए यहाँ पर दायरे हैं वो विस्तारित किए गए हैं, जैसे कि माप के रूप में लिए जाने वाले डेटा का प्रकार है वो कितने प्रकार का हो सकता है, कैसा हो सकता है, वे व्यक्ति जिनसे डेटा लिया जा सकता है, मतलब उसमें भी बताया गया कि भाई कौन कौन व्यक्ति हैं जिनसे डेटा लिया जा सकता है। इसके अलावा वह प्राधिकारी जो डेटा ले सकता है या फिर उसका आदेश दे सकता है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है, उनका विस्तार किया गया इसमें। साथ में एकत्रित किया गया डेटा है उसके संरक्षण करने के बाद भी अगर डेटा ले लिया जाता है तो कब तक रखा जाएगा, तो डेटा एकत्रित करने के बाद 75 वर्षों तक डेटाबेस में रहेगा, फिर बाद में स्वतः उसको डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि 75 वर्षों तक ये डेटा है वो रखा जा सकता है रिकॉर्ड में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीपीए 2022 के तहत उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाएगा जिन्हें पहले दोषी नहीं ठहराया गया था, मतलब केस चला था लेकिन वो निर्दोष साबित हुए, तो उनका जो डेटा लिया गया होगा वो डेटा को इरेज कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। साथ में जिन्हें बिना मुकदमा के रिहा कर दिया गया या फिर मुक्त कर दिया गया, बिना मुकदमा के जैसे किसी को पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के लेके आई लेकिन उन पर मुकदमा नहीं हुआ, ऐसे ही छोड़ दिया गया कि जाओ बेटा मौत कर लो जा करके, तो उनका भी जो डेटा है वो इरेज कर दिया जाएगा, या न्यायालय के द्वारा कोई बरी व्यक्ति है उसका भी डेटा इरेज कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। ओके, तो उनका डेटा 75 सालों तक नहीं रखा जाएगा। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा विवरण देने से मना करना, विवरण देने से मना करना या इसके लिए इनकार करना भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय अपराध, यानी कि अगर कोई शिनाखत नहीं कराता है तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है, वैसे ही तुमको सजा हो रही है और सजा होगी इसके लिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें तो इस अधिनियम के दायरे में आने वाले व्यक्तियों से संबंधित विवरण एकत्रित करने की शक्ति है वो शक्ति है राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कानून लागू करने वाले अन्य एजेंसियों से एकत्रित कर सकता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए डेटा या विवरण का भंडार, प्रसंस्करण, विस्तार या उसे नष्ट करना इसमें शामिल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी तुलना की गई है, तो तुलना आप लोग देख सकते हैं जो 1920 में जो आया था और जो 2022 में है तो क्या परिवर्तन हुआ, तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा 1920 में जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, फुटप्रिंट हो गया, साथ में फोटोग्राफ है वो ले सकते थे, साथ में माप भी आप लोग देख रहे हो, लेकिन अब क्या है, अब जैविक नमूने भी, जैविक नमूने आई रेटिना हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में जो आयरिस है मतलब जो पुतली है और जो रेटिना है उन दोनों को स्कैन लिया जा सकता है। व्यवहारगत आप लोगों को देखने को मिलेगा, व्यवहारगत विशेषताओं में क्या आता है, जो व्यवहारगत जैसे आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, सिग्नेचर कैसी है, लिखावट कैसी है, ड्राइंग कैसी है, कैसा किसी का आप चित्र बना लेते हैं, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दंड प्रक्रिया संहिता जो CRPC की धारा 53 और 53A के तहत किए जाने वाले परीक्षण जिसमें रक्त, बिरा, बाल के नमूने, सलाइबा, ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिलेंगी, तो ये बार बार आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप लोग को देखने को मिलेगा किन व्यक्तियों के डेटा एकत्रित किए जा सकते हैं, तो देखिए आप लोग देखने को मिलेगा ऐसे व्यक्ति जिन्हें 1 वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार किया गया, ऐसे व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने की गारंटी देनी पड़ी है, ऐसे व्यक्ति, साथ में मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में आपराधिक जांच में मदद करने वाले मदद के लिए गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का डेटा लेने का आदेश दे सकता है। अब वर्तमान में क्या है 2022 में, ये तो भैया पहले वाले में था, 2022 में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हालांकि बलपूर्वक जैविक नमूने केवल ऐसे ही व्यक्ति के लिए जाएंगे। देखिए हाइट वाइट है वो तो ले ली जाएगी, जबरदस्ती भी ली जाएगी, आपका हाइट है, फोटो है, जबरदस्ती भी लिया जाएगी, लेकिन जैविक नमूने हैं, बलपूर्वक हैं, वो हर किसी के नहीं लिए जा सकते। देखिए जैविक नमूने केवल ऐसे व्यक्तियों से ही लिए जा सकते हैं जिसे किसी महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, अन्य व्यक्तियों के हैं वो शायद वो ना दे, बलपूर्वक नहीं लिए जा सकते। ओके, यदि ऐसे मामले में भी किया जा सकता है जहां किसी अपराध के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष है, या फिर ऐसी कोई अपराध उसने किया है जिसमें न्यूनतम सजा 7 वर्ष की है, किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन
कानून के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति और मजिस्ट्रेट के आदेश पर जांच के लिए मदद कोई व्यक्ति है उसका भी नमूना लिया जा सकता है। आप लोगों ने देखने को मिलेगा केवल गिरफ्तार व्यक्ति ही नहीं, अन्य व्यक्ति का जो गिरफ्तार नहीं है उसका भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये क्या किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया जा सकता है नमूने के लिए। अगर हम बात करें वह प्राधिकारी जो डेटा एकत्रित कर सकता है या निर्देश दे सकता है, तो सीआरपीसी के तहत जांच अधिकारी, स्टेशन पुलिस का प्रभारी अधिकारी और उप निरीक्षक जिस उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी और मजिस्ट्रेट है वो पहले ऐसा कर सकते थे। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पुलिस स्टेशन का प्रभावी जो प्रभारी अधिकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा या फिर हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी, जेल का जो हेड वार्डन है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो भी इस तरह की चीजें हैं लेने के लिए कह सकता है, ले सकता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यदि ऐसे व्यक्ति से अच्छे व्यवहार और शांति बनाए रखने की अपेक्षा की गई है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वो ऐसा आदेश दे सकता है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले जो अधिकार था विवरण एकत्रित करने के लिए तरीके आदि के संदर्भ में नियम बनाने की जो शक्ति थी पहले राज्य सरकार के पास में थी, अब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के पास में है। ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए मध्यस्थता अधिनियम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम मध्यस्थता अधिनियम की बात करें, मध्यस्थता अधिनियम 2021, तो ये क्या है आप लोगों को देखने को मिलेगा, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समितियों ने मध्यस्थता अधिनियम 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव करने की सिफारिश की है। जैसे मध्यस्थता क्या है भैया, जो एक तरह से एक वैकल्पिक मोड होता है, जैसे कि विवाद हो गया तो आपस में मिलकर के भैया न्यायालय मत जाओ, पहले से अल्टरनेटिव कोई खोज करके अपना मामला है वो सुलटा लो, तो वही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्यस्थता के बारे में, तो ये क्या है, एक उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान है और ये स्वैच्छिक प्रक्रिया है, बाध्यकारी नहीं है। ओके, स्वैच्छिक प्रक्रिया भैया आप स्वेच्छा से अगर वैकल्पिक ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको न्यायालय में जाकर के भैया अपने मामला को सुलटाइए। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मध्यस्थता संबंधी पक्षों पर समाधान को थोपना नहीं बल्कि वह एक अनुकूल माहौल प्रदान करना है जिसमें वे अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। 2019 में भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है भारत ने, ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। साथ में यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से उत्पन्न निपटान समझौता के सीमा पार परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो ये प्रकार है, तो इसमें देखिए मीडिएशन होता है, समझौता वार्ता होती है, सुलह होती है, मध्यस्थता होती है, साथ में सहयोगी कानून होते हैं, जो कानून होते हैं वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमुख बात भारत में मध्यस्थता को लेकर के, तो 2002 में जो सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सीपीसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके, सिविल प्रोसीजर कोड जिसको बोलते हैं सीपीसी, 1908 में धारा 89 को जोड़ा गया था। यह धारा ने विवादों के निपटान के समाधान में से एक के रूप में मध्यस्थता की शुरुआत की थी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता के उपयोग को तैयार किया था, प्रयोग को तैयार किया था, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ में इसी तरह से जो कंपनी अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये भी क्या करते हैं, अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इसी तरह से 2021 में संसद में मध्यस्थता विधेयक है वो पेश किया गया था। अगर हम बात करें 2021 में जो मध्यस्थता विधेयक है पेश किया गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि न्यायालय या किसी प्राधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए सिविल या वाणिज्यिक विवाद है उनको निपटाया जा सके। अगर संबंधित पक्ष कोई समझौता नहीं कर पाते हैं तो न्यायालय या फिर अधिकरण सुनवाई के लिए किसी चरण के बीच में भी वो कह सकता है मध्यस्थता के लिए। ओके, अगर एक पक्ष के द्वारा अनुरोध किया जाए तो। साथ में मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें मध्यस्थता नहीं की जा सकती, जैसे कि नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के संदर्भ में दावों से संबंधित जो विवाद हों,
तो नाबालिग के संबंध में हो तो भाई वहां पर मध्यस्थता नहीं की जा सकती। साथ में क्रिमिनल यानी कि जो दंडनीय अपराधों के अभियोजन से जुड़े जो मामले होते हैं, मतलब क्रिमिनल मैटर, किसी का चाकू भोंक दिया, मर्डर कर दिया, कहीं पर जाकर के फ्रॉडी कर दी, डकैती डाल दी जाकर के, ओके, तो किसी का जाकर के रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, ऐसे भयानक जघन्य अपराध कर दिया जाकर के, तो वहां पर मीडिएशन मध्यस्थता नहीं कराई जा सकती। तीसरे पक्ष के अधिकारियों को प्रभावित करने वाला कोई विवाद हो, मतलब तीसरे पक्ष के जो अधिकार जो होते हैं, मतलब उस मध्यस्थता से किसी तीसरे पक्ष के भी जो अधिकार हैं वो संबंधित हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। साथ में केंद्र सरकार द्वारा सूची में संशोधन कर सकती है कि कुछ को ऐड कर सकती है, फिर निकाल सकती है कि इनके अंतर्गत। आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है किस पर लागू होगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सिर्फ घरेलू पक्ष पर शामिल है, साथ में कम से कम एक पक्षकार विदेशी और एक पक्षकार विदेशी और वह वाणिज्यिक विवाद से संबंधित हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता है वो भी शामिल लोगों देखने को मिलेगी। अगर विवाद में केंद्र और राज्य एक पक्ष है तो विधेयक निम्नलिखित मामलों में भी लागू होगा, वाणिज्यिक विवादों में सरकार द्वारा जो अधिसूचित कोई अन्य विवाद है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया है वो गोपनीय रहेगी, 180 दिन के अंदर उसको पूर्ण हो जाना चाहिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर हम बात करें मध्यस्थता की, तो आपसी समझौते से संबंधित जो पक्षकार हैं वो पक्षकार हैं उनके द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नियुक्ति है वो की जा सकती है। साथ में मध्यस्थता सेवा प्रदाता आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें होती है। साथ में भारतीय मध्यस्थता परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा तीन पदेन सदस्य होंगे और एक अल्पकालिक सदस्य होगा, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस परिषद के कार्यों की अगर हम बात करें तो मध्यस्थता का पंजीकरण करना, मध्यस्थता सेवा प्रदाता और मध्यस्थता संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम समाधान की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत प्रमुख बात है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मध्यस्थता, देखिए समुदाय मध्यस्थता को छोड़ करके जो मध्यस्थता के परिणामों हेतु समझौते अंतिम होंगे, बाध्यकारी होंगे, न्यायालय के निर्णय की तरह ही लागू होंगे, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि इन्हें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार ठगी के आधार पर इन्हें चुनौती भी न्यायालय में दी जा सकती है, लेकिन वैसे ये जो होंगे जो निर्णय होंगे मध्यस्थता के वो अंतिम होंगे, साथ में बाध्यकारी भी होंगे और न्यायालय के निर्णय के समान ही लागू होंगे। लेकिन अगर अगर ये पक्षपात पूर्ण रूप से हैं, एक तरह से ठगी के रूप में हैं, तो क्या होगा, एक तरह से इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की, तो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की परिभाषा और सिंगापुर कन्वेंशन के प्रावधानों को इस विधेयक में शामिल किया गया है। यह कन्वेंशन विवादित पक्षों को क्रॉस बॉर्डर समाधान समझौते को आसानी से लागू कराने में सक्षम बनाता है। अगर सामुदायिक मध्यस्थता की बात करें, यह किसी क्षेत्र स्थान के निवासियों के बीच में शांति और सौहार्द को प्रभावित करने की आशंका वाले विवादों के समाधान के लिए किया जाता है, उसी को बोलते हैं सामुदायिक मध्यस्थता बोलते हैं। ओके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस अधिनियम ने नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन किया है। नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारतीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया है। मध्यस्थता इसके अधिनियम के अगर हम प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्यस्थता के संचालन के तरीके और वैकल्पिक समाधान के रूप में केंद्र सरकार है वो निर्धारित करेगी। यह विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने की तारीख के 5 साल तक इसके क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति है केंद्र सरकार को दी गई है इस विधेयक के माध्यम से। वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभ की बात करें तो इसमें देखिए कम लागत होती है,
विवादों के समाधान में लागत कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। समाधान की प्रक्रिया क्या होती है, अधिक लचीली होती है। साथ में इसमें गोपनीयता भी बरती जाती है। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें निपटान की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में बैठ करके एक निष्कर्ष पे आने का प्रयास करते हैं। साथ में इसमें क्योंकि किसी की हार जीत नहीं होती है, इस वजह से, क्योंकि न्यायालय में जाएंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा ऐसा नहीं होता। मध्यस्थता में आप लोगों को देखने को मिलेगा ना ही किसी की हार होती है ना ही जीत होती है, एक एग्रीमेंट एक समझौते के अंतर्गत एक मध्यस्थता कराई जाती है जिसमें दोनों पक्ष सहमत होते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा विवाद समाधान के लिए कई मंच उपलब्ध होते हैं और समाधान के कई सारे विकल्प होते हैं। अगर हम लोग अगर बात करें, आप लोगों को देखने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के बारे में, यह मध्यस्थता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के व्यावसायिक विवादों के निपटान के लिए एक साधन के रूप में, इसमें विवाद में शामिल पक्ष अदालत जाने की बजाय किसी निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का चुनाव करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का लाभ वैकल्पिक हो सकता है, लेकिन अनिवार्य मध्यस्थता के प्रावधानों के जरिए इसे अनिवार्य भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर विदेशी मध्यस्थता निर्णय की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन 1958 तथा द्विपक्षीय निवेश संधि के माध्यम से मध्यस्थता निर्णय को अधिक व्यापक और सहज रूप से लागू किया जा सकता है। देखिए, प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, हाल ही में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक 1867 में संशोधन के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। जो ये विधेयक आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रेस को नियंत्रित करने, पुस्तकों के प्रकाशन को विनियमित करने और वक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपातकालीन अंकुश लगाने में सरकार की मदद की थी इसने, जो ये अधिनियम पहले आया था। आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक समाचार पत्र के मुद्रक को समाचार पत्र के प्रत्येक अंश की 2 प्रतियां सरकार के पास भेजनी होती है, और साथ में जो बल्कि ये निशुल्क होती है, सरकार को कोई पेमेंट नहीं करना होता, प्रत्येक अंक की 1 प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को भी देनी होती है। ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। साथ में इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को भारतीय समाचार पत्रों के लिए रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की शक्ति है वो प्रदान की गई है। तो ये केंद्र सरकार के पास में शक्ति है। इसके अतिरिक्त प्रेस रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रारूप में समाचार पत्रों को अनिवार्य रूप से संकलित करना होता था। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी न्यूज है उसका प्रकाशन कर रहा है, जो भी लेखक है राइटर है उसका नाम है पता है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब नाम बताना पड़ेगा, पता पता नहीं बताना पड़ेगा, और कहाँ से ये मुद्रण किया जा रहा है वो प्लेस का नाम बताना पड़ेगा। जैसे कि ये है, ये दिल्ली से हो रहा है, मुंबई से हो रहा है, चेन्नई से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो वो बताना पड़ेगा। ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इस विधेयक के प्रमुख मसौदे की, तो अगर इसका उद्देश्य बात करें, इसका उद्देश्य डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाना है। डिजिटल मीडिया को, क्योंकि आज आप लोग देखेंगे केवल न्यूज़पेपर ही नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। पिछले कानूनों के औपनिवेशिक चरित्र है उसको भी समाप्त करना है। पंजीकरण आप लोगों को देखने को मिलेगा, विधेयक के पारित होने के बाद डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिकेशन को 90 दिनों के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। अगर हम बात करें सरकारी संस्था को प्रदान की गई शक्तियां, कानून के उल्लंघन की स्थिति में सरकारी संस्थाओं के पास डिजिटल प्रकाशनों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति होगी। इसके लिए पंजीकरण को निलंबित या रद्द किया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर हम सरलीकरण की बात करें तो यह ई पेपर में पंजीकरण की सरल प्रक्रिया को निर्धारित करता है और पुस्तकों और संबंधित मामलों के पंजीकरण से संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधान को भी हटा देता है। नियम बनाने के हेतु अगर हम प्राधिकरण और शक्ति की बात करें तो यह है विधेयक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उपयुक्त नियम विनियम बनाने के लिए सक्षम बनाता है। और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका उद्देश्य समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने, समाचार पत्रों की मान्यता तथा समाचार पत्रों के लिए ऐसी अन्य सुविधाओं हेतु मानदंड निर्धारित करना आप लोगों को देखने को मिलेगा। अपीलीय बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अपीलीय बोर्ड है ये बाध्यकारी और अंतिम इसका निर्णय आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अधिनियम के तहत प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड नामक एक अपीलीय बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। इसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। ओके, ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। संविधान की अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश जो विधेयक आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक जनजाति है, मतलब एक जो अनुसूचित जाति थी एसटी का था उसको निकाल करके अब एसटी में पहुंचा दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा क्या आ जाता है न्यूज में आ जाता है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक सेकंड देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि हाल ही में राज्यसभा ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया है। इसे झारखंड के भोक्ता समुदाय, देखिए ये कौन सा भोक्ता समुदाय, ये कहां है, झारखंड, झारखंड के भोक्ता समुदाय को जो एससी मतलब अनुसूचित जाति की सूची से बाहर निकाला है और इसे एसटी सूची में सूचीबद्ध कर दिया है, सूची में शामिल कर दिया है, इसलिए क्या है न्यूज में है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अनुच्छेद 341 और 42 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य संघ शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति का निर्धारण करे, यह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद जारी आदेश जारी करता है। इन आदेशों को बाद में केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, बहुत प्रमुख बात है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक ने चार जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल नई जनजातियां हैं वो आप लोग देखने को मिलेंगी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, इसके ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है हट्टी, आप लोगों को देखने को मिलेगा हट्टी जनजाति। ओके, हट्टी जनजाति। उसी तरह से तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति है, तो देखिए सही मिलान के रूप में आ सकता है, इसलिए आप लोगों को नाम ध्यान रखने हैं। यहाँ पर नारी कोराबन आप लोगों को देखने को मिलेगा और साथ में एक और आप लोगों को इसी में देखने को मिलेगी क्रू बिकरण आप लोगों को देखने को मिलेगी जनजाति, और छत्तीसगढ़ का बंजिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ का बंजिया, तो देखिए छत्तीसगढ़ का आप लोगों को बंजिया देखने को मिलेगा। देखिए आप लोगों को अगर हम हट्टी की बात करें, ओके, तो जो हट्टी है हिमाचल प्रदेश में वो घनिष्ठ समुदाय आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये हट नामक छोटे बाजार हैं जहां पर सब्जियां हैं और साथ में फसल मांस हैं उनको बेचते हैं पारंपरिक रूप से, इसीलिए इनका नाम है हट्टी पड़ गया, मतलब हट जो होती है झोपड़ी होती है तो हट के नाम से ही हट्टी पड़ गया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर नारी कोराबन, तो नारी कोराबन है ये सियार पकड़ते हैं, सियार को पकड़ते हैं इसलिए इनका नाम इनके ऊपर पड़ गया। यहाँ पर पूरी बिक्रण आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर पक्षी को खाने वाली एक घुमंतू आदिवासी समुदाय देखने को मिलेगा। यहाँ पर बांझिया है ये उड़ीसा और झारखंड में पाई जाने वाली एक निर्जातीय समुदाय है और ये काफी ज्यादा इनकी जो परंपरा है संस्कृति है वो काफी ज्यादा समृद्ध और विरासत देखने को मिलेगी, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ओके, तो ये चीजें हैं, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए अगर हम बात करें धर्मांतरण की, तो देखिए धर्मांतरण रोधी विधेयक आप लोगों को देखने को मिलेगा। धर्मांतरण क्या होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। आप अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो उसी को बोलते हैं धर्मांतरण, लेकिन आप अपना धर्म परिवर्तित करना चाहते हैं ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन ये लोभ से नहीं होना चाहिए, छल से नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि आप स्वेच्छा से अंतःकरण की आवाज से आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप किसी का धर्मांतरण करा रहे हैं,
धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। धर्म अपना धर्म परिवर्तित करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन आपको किसी का धर्म परिवर्तित कराना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद ने कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण नामक विधेयक है वो पारित किया है। धार्मिक परिवर्तन को प्रतिबंधित और नियमित करने वाला एक आप लोग कोई भी आप लोगों को केंद्रीय कानून नहीं देखने को मिलेगा। कुछ राज्य हैं जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश हैं, इन्होंने बल धोखाधड़ी और प्रलोभन द्वारा जो धर्म परिवर्तन है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून है वो बनाए हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी बताया मध्य प्रदेश और उड़ीसा के धर्मांतर विरोधी जो कानून है उन पर वैधता पर अपनी मुहर लगा दी है। आप लोगों को देखने को मिलेगा रेप स्टेनी स्लॉथ नामक मध्य प्रदेश राज्य जो बाद आया था इसी में इन्होंने मुहर लगाई थी। अगर हम बात करें इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन आप लोग देखने को मिलेगा अपना धर्म परिवर्तन करना ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण कराना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। उपासना स्थल की अगर हम बात करें, उपासना स्थल अधिनियम 1991, सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के एक उप संप्रदाय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई एक याचिका है उसको खारिज कर दी है। यह याचिका में जैन समुदाय के एक संप्रदाय द्वारा उसी धर्म के एक अन्य संप्रदाय द्वारा अपने धार्मिक स्थान के कथित रूपांतरण के खिलाफ उपासना स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने की बात की गई थी। 1991 का यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है, यह साथ ही यह किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रावधान करता है। 15 अगस्त 1947 को आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ओके, कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार की स्थिति थी उसी प्रकार की स्थिति है धार्मिक स्थलों पर रहेगी। लेकिन ये जो अधिनियम है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राम जन्मभूमि है और जो बाबरी मस्जिद विवाद था उस पर ये लागू नहीं होता था। अभी ये मैटर क्या है, सुलझ गया है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की बात करें, यदि किसी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को पूर्ण या आंशिक रूप से एक अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाता है, यहाँ तक कि यह एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग खंड में रूपांतरण पर भी रोक लगाता है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को विद्वान किसी भी उपासना स्थल को धार्मिक रूप से परिवर्तन के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, साथ ही कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। ये देखिए, ये अधिनियम बात करता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्वान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन को लेकर के, कि भाई यहाँ पर ये नहीं ये होना चाहिए, इसको लेकर के कोई भी मैटर न्यायालय के अंदर चल रहा है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा और साथ में जो दायर है वो नहीं किया जाएगा, नया कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी और जो कार्रवाई चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, ओके। तो लेकिन राम जन्मभूमि को इसको अलग रखा गया था, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए, अगर हम बात करें इस अधिनियम के प्रावधान प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों पर लागू नहीं होंगे, तो ये बहुत प्रमुख बात है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संविधान के 124वां संविधान संशोधन अधिनियम, आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली हाईकोर्ट संविधान अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस संबंध में न्यायालय के केंद्र को अपनी दलीलें दायर करने का निर्देश दिया गया है। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनयन और आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है, आप लोग जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर संशोधन ने अनुसूचित जाति जनजाति के
सदस्यों के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की समाप्ति की सीमा है वो और 10 वर्ष बढ़ा दी है। ओके, 2020 थी पहले, अब 2020 से 2030 तक बढ़ा दी है। आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए जहां आर्टिकल 331 है वो एंग्लो इंडियन, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन के मनोनयन की बात करता है, वहीं 333 है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन के मनोनयन की बात करता है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर परिवार न्यायालय की, परिवार न्यायालय लोकसभा में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से स्थापित परिवार न्यायालयों को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। यह विधेयक परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में परिवार और विवाह से संबंधित विवादों से निपटने के लिए राज्यों द्वारा परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बेनामी लेन देन की अगर हम लोग बात करें तो बेनामी लेन देन है, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। यह कानून बेनामी लेन देन को प्रतिबंध करने और बेनामी रूप से रखी गई संपत्ति की वसूली और जब्ती के लिए 1988 में पारित किया गया था। हालांकि कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम विनियम और प्रक्रियाएं नहीं बनाई जा सकी हैं, इस कारण से यह अब तक अप्रभावी रहा है। बेनामी लेन देन से तात्पर्य ऐसे किसी लेन देन से है जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या उपलब्ध कराए गए प्रतिफल से आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा किसी को प्रतिफल दिया गया उसमें बेनामी है, पता ही नहीं चल रहा भैया किसको गया क्या नहीं गया, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिले। बेनामी लेन देन का उपयोग कर से बचने और गोपनीयता बनाए रखने और बेहिसाब धन कहीं भी है वो निवेश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए 2016 के संशोधन ने बेनामी लेन देन के बारे और दंड का विस्तार किया था। इसने बेनामी लेन देन से प्राप्त धनराशि को जब्त करने के भी प्रावधान है वो जोड़े हैं। शत्रु संपत्ति आप लोगों को देखने को मिलेगी। शत्रु संपत्ति क्या है, जो युद्ध के समय आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान से युद्ध के समय, जैसे कि 65 और 71 में जो युद्ध हुआ था उस समय भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जो भूमि बची हुई, इसी तरह से जब हमारे चीन के साथ में जब हमारा युद्ध चल रहा था तो भारत को छोड़ करके चीन जो लोग भाग गए उनकी संपत्ति जो बची है वही क्या है, शत्रु संपत्ति आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए शत्रु संपत्ति ये है और इसमें कुछ बहुत प्रमुख बात नहीं है। केंद्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो ने कथित तौर पर व्यावसायिक भूमि को पट्टे पर देने के लिए शत्रु संपत्ति का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। भाई जो शत्रु संपत्ति है उसको तुम पट्टे पे कैसे दे सकते हो। शत्रु संपत्ति के बारे में बात करें तो देखिये जो अभी हम आप लोगों को बताए हैं भाई सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 है वो शासित है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2017 में संशोधन किया गया था कि इस संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के अधीन बनी रहेगी, जो भी कस्टेडियन है उसके अधीन बनी रहेगी भले ही शत्रु या शत्रु विषय या फिर शत्रु फर्म या एक शत्रु ना रह गया हो तो भी वो बनी रहेगी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग भले वो शत्रु मरा गया हो ना ही हो दुनिया में ही नहीं है तो भी वो बनी रहेगी। अगर हम बात करें भारतीय ध्वज संहिता 2002 आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिसेंटली इसमें संशोधन किए गए थे क्योंकि पहले तिरंगा के कुछ नियम थे कि तिरंगा को रात में नहीं फहराया जा सकता, मतलब सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही उसको फहराया जा सकता है, फिर उसको उतार के रखना पड़ेगा। इसमें संशोधन किया गया है कि आप 24 घंटे जो तिरंगा है फहरा सकते हैं। पहले तिरंगा कुछ जगह पे ही पर फहराया जा सकता था, ऐसे घर भर में नहीं फहरा सकते थे, लेकिन अब तिरंगा को जो आप आवासीय स्थल पर भी आप फहरा सकते हैं, खुले में भी फहरा सकते हैं, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए तिरंगा एक और साथ में तिरंगा पहले था वो खादी से बुना जाता था, भाई खादी से बुना हुआ तिरंगा है उसी को सिर्फ लहराया जाता था, लेकिन अब क्या है जो मशीनों द्वारा निर्मित जो तिरंगे होंगे उनको भी लहराया जा सकता है। ये देखिए सार्वजनिक और निजी निकायों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ये प्रदर्शन पर नियम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये देखिए कि केवल पहले क्या होता था, पहले केवल हाथ से कते और बुने खादी जो ध्वज होते थे उन्हीं की अनुमति होती थी, अब क्या है मशीन द्वारा निर्मित पॉलिस्टर के द्वारा निर्मित जो झंडे होंगे उनका भी उपयोग किया जाएगा। ओके, तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलेगा भारत की राष्ट्रीय
भवन निर्माण संहिता 2016 आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यहाँ पर विद्युत प्रतिष्ठानों में सुरक्षा पर पुस्तक गाइडलाइन है वो जारी की है, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो देखिए 2016 एक प्रकार का तकनीकी दस्तावेज है, इसमें भवनों की योजना, डिजाइन, निर्माण, परिचालन तथा रखरखाव से संबंधित सभी प्रावधान आप लोग शामिल देखने को मिलेंगे। संहिता के प्रावधानों का अनुपालन, भवनों से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, सुगमता और आप लोगों को देखने को मिलेगा संधारिता संबंधी आवश्यकताएं जो मानक सुनिश्चित किए गए हैं, और आप लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने इसको डिजाइन किया है। ओके, और कुछ आप लोगों को विशेष चीज नहीं देखने को मिलेगी। ओके, अब हम लोग ये कल देखेंगे इसको, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब हम आधे घंटे सो लें, क्योंकि आधे घंटे सोने के बाद ही अब हमको गांव निकलना पड़ेगा। आज होली भी है, सभी लोगों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मतलब होली तो आप लोग खेल चुके होंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को 6 बजे मिलेगी। आप लोग झमाझम लाइक ठोकते रहिएगा, सभी क्लासेस आपको ऑन टाइम पर मिलेगी। हम घर जा रहे हैं, खाना वाना बना करके एक एक आध घंटे जब हम होली होली खेल लेंगे, फिर हम दोपहर में ही कोशिश करेंगे दोबारा से इसी स्टूडियो में आने की, फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर है वो भी रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, जो भी आपके मन में डाउट थे, भ्रम थे, वो सब दूर कर दिए कि क्लासेस सारी होंगी, एकदम परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। कोर्स पूरी कराने की जिम्मेदारी हमारी है, अब कंप्यूटर भी हमने ठीक करा लिया है, इतना पैसा इसमें झोंक दिए हैं कि आप लोगों की क्लासेस बाधित ना हुआ करें बीच में, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिएगा, एकदम परेशान नहीं होना आप लोग। ओके, चलिए मैं इसको रोक देता हूँ।